अस्सलाम वालेकुम सर मशहूर, ग्रेट टू सी यू हियर। वालेकुम सलाम जफर, हाउ आर यू? आई एम गुड सर। थैंक आपके बारे में बड़ा सुना है हमने। अच्छा, यू जी। मैं इस वक्त मिशन पीक के ऊपर हूँ। मिशन पीक पे? आई क्या जस्ट बात, अराइव्ड ओवर हियर। क्या बात है। ये सर तो स्टूडेंट्स, सर मशहूर इज हु इज हु इन द सिलिकॉन वैली। तो माशाल्लाह बहुत अकम्पलिश्ड हैं, तो इनसे सारे सवाल पूछें, सारे गुरु इनसे सीखें, सारे टिप्स लें, मेक फुल यूज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। सर लेट्स स्टार्ट व्हेन यू आर रेडी। श्योर सर, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम जुबैर जफर है और मैं गुड ग्रुप एक मॉडरेटर हूँ। इस वेबिनार को स्टार्ट करने से पहले हम आई गुड ग्रुप का एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन कर लें, फिर हम स्टार्ट करते हैं। आई गुड गुरु एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सिलिकॉन वैली के टॉप इंजीनियर्स ने बनाया है ताकि पाकिस्तानी एकेडेमिया और इंटरनेशनल इंडस्ट्री के दरमियान गैप को ब्रिज कर सकें। और इसका मोटो है शेयर, लर्न एंड ग्रो। हमारे पास जो नॉलेज है वो हम दूसरों के साथ शेयर करते हैं, जो दूसरों के पास नॉलेज है हम उससे लर्न करते हैं, एंड एज अ कम्युनिटी वी ग्रो टुगेदर। आवर मिशन, आई कोड गुरु का ये मिशन है कि एम्प्लॉयबिलिटी क्रिएट करना, और जब एम्प्लॉयबिलिटी की बात होती है तो इंटरनेशनल एम्प्लॉयबिलिटी क्रिएट करना। इसके लिए हम स्टूडेंट्स को हाईटेक स्किल सिखाते हैं जिसके अंदर डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग एक्सेट्रा और लीड कोड के क्वेश्चंस करवाए जाते हैं जो कि बिग टेक कंपनीज के इंटरव्यूज में आ रहे होते हैं। इसके अलावा उनकी मुलाकात इंटरनेशनल मेंटोर्स से करवाई जाती है जो कि हैकाथॉन्स की शक्ल में होती है और वेबिनार्स की शक्ल में होती है। हाउ वी वर्क, आवर फोकस, हाई कोड गुरु के ऊपर 6 सेशंस होते हैं। ये 6 जो है ये पुराना मेंशनड है लेकिन आजकल 9 सेशंस हो रहे हैं। इसके अलावा एक वीकली वेबिनार होता है, 2 वीकली वर्कशॉप्स होती हैं, और इसके अलावा लीड कोड के सेशंस होते हैं जैसे मैंने बताया कि बिग टेक कंपनीज जैसे एप्पल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, इनके इंटरव्यूज के अंदर कुछ क्वेश्चंस आ रहे होते हैं जो लीटकोड की वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल होते हैं, तो हम उनकी प्रैक्टिस आई कोड गुरु के जूम सेशंस में कर रहे होते हैं। इसके अलावा फ्री आईएलटीएस एंड जीआरई के कोर्सेज होते हैं, और जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं पाइथन प्रोग्रामिंग में उनके लिए पाइथन फॉर बिगिनर्स क्लासेस क्लास चलाई जाती हैं। इसके अलावा मशीन लर्निंग के कोर्सेज होते हैं और डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स के। इन सब कोर्सेज की जो रिकॉर्डिंग है वो हमारे फेसबुक के ऑफिशियल पेज के ऊपर अवेलेबल होती है। आई कोड गुरु के कुछ रीसेंट अचीवमेंट्स की बात कर ली जाए तो 200+ इंटरनेशनल अवार्ड्स इन हैकाथॉन्स एंड कोडिंग कॉम्पिटिशंस। आई कोड गुरु के स्टूडेंट्स ने पूरी दुनिया में एडमिशन सिक्योर किए हैं, स्पेसिफिकली इन यूएसए। लोकल एंड इंटरनेशनल इंटर्नशिप्स एंड जॉब्स हासिल की हैं। CS50 जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का कोर्स है उसका एक पजल डे ऑर्गेनाइज किया गया था उनकी तरफ से, जिसके अंदर पहली बार ऐसा हुआ कि 21 टीम्स वर द हाईएस्ट परफॉर्मिंग टीम्स इन दैट कंपटीशन एंड दे ऑल वर फ्रॉम आईकोड गुरु। पिछले साल हम ईच मंथ एक हैकाथॉन अनाउंस करते थे, इस साल 2 हैकाथॉन्स अनाउंस कर रहे हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक कोर्स है कोडिंग प्लेस, जिसके अंदर वैसे तो स्टूडेंट्स जाते हैं लोग, लेकिन कुछ स्पेसिफिक मेंटोर्स भी जाते हैं। तो पाकिस्तान से पहली बार 11 मेंटर सिलेक्ट हुए थे एंड 7 ऑफ देम वर फ्रॉम आई कोड गुरु। गूगल कोड जैम दुनिया का एक बहुत प्रेस्टिजियस कंपटीशन है जिसके अंदर 2022 के अंदर सिर्फ 70 पार्टिसिपेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था पाकिस्तान में, एंड लास्ट ईयर इन 2023 300 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड फ्रॉम आई कोड गुरु। इसके अलावा एतिहाद एविएशन ग्रुप की तरफ से एक हैकाथॉन स्पॉन्सर किया था जो कि एमआईडीएस ने कंडक्ट करवाया था, एंड जो स्टूडेंट्स उसमें जिन्होंने उनमें विन किया था उनको इतिहाद एयरवेज ने अबू धाबी कॉल किया था 1 मंथ की इंटर्नशिप के लिए, एंड आई वाज वन ऑफ देम। इसके अलावा अभी एक रिसेंटली एक कोडिंग कॉम्पिटिशन था, 25 डे कोडिंग चैलेंजेस आ रहे थे जिसके अंदर जिसको एडवेंट ऑफ कोड कहते हैं, उसके अंदर पहली बार 90+ स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया आई कोड गुरु से। थैंक यू। इसके अलावा अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप आई कोड गुरु पे रजिस्टर कर सकते हैं, www.icodeguru, और आप हमें फेसबुक पेज पे भी रीच आउट कर सकते हैं। आज का जो हमारा टाइटल है वो है स्टेइंग रेलिवेंट इन द एज ऑफ एक्सपोनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन, और हमारे स्पीकर हैं सर मशहूद आलम। मैं सर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। सर ने अपना जो बैचलर्स है वो कंप्यूटर सिस्टम्स इंजीनियरिंग में NID यूनिवर्सिटी कराची से किया, और इसके बाद सर जो है वो US मूव करके फर्दर स्टडीज के लिए, और उन्होंने अपना जो मास्टर्स है
वो लुजियाना स्टेट यूनिवर्सिटी से किया, जो कि मास्टर्स इन सिस्टम साइंस स्लैश कंप्यूटर साइंस के अंदर है, और फिर इन्होंने एक एमबीए किया फ्रॉम सेंटा क्लारा यूनिवर्सिटी। इसके अलावा सर के इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस की बात की जाए तो ही स्टार्टेड एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर इन सैप, और उन्होंने 5 साल फ्रॉम 2000 टू 2005 एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर काम किया, एंड देन ही जंप टू प्रोडक्ट मैनेजर, जंप टू द रोल ऑफ प्रोडक्ट मैनेजर, और फिर उन्होंने सेम कंपनी में 5 साल एज अ प्रोडक्ट मैनेजर काम किया, एंड आफ्टर दैट ही बिकेम द डायरेक्टर ऑफ प्रोडक्ट मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटजी, एंड फर्दर ही स्टेड इन द कंपनी फॉर 19 ईयर्स, एंड द लास्ट रोल ही हैड वॉज सीनियर डायरेक्टर ऑफ प्रोडक्ट एंड प्लेटफॉर्म स्ट्रेटजी और एंड सीनियर डायरेक्टर ऑफ इनोवेशन एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। तो इन रोल्स के साथ इन्होंने सैप के अंदर एक तवील अरसा काम किया। फिर उसके बाद इन्होंने ज्वाइन की एक विनिक्स, जिसके अंदर सर ने एज अ सीनियर डायरेक्टर ऑफ डिजिटल एंटरप्राइज प्लेटफॉर्म काम किया, एंड उसके बाद उन्होंने अपना रोल शिफ्ट किया एंड ही ज्वाइंट इक्विनिक्स एज हेड ऑफ प्लेटफॉर्म प्रोडक्ट मैनेजमेंट, और अब रिसेंटली उन्होंने कंपनी को ज्वाइन किया है जो कि है अकामाई टेक्नोलॉजीज, जिसमें सर एज अ सीनियर डायरेक्टर एंड ऑफ प्रोडक्ट मैनेजमेंट काम कर रहे हैं। सर मैं आपको इनवाइट करता हूँ कि आप हमारे स्टूडेंट्स के साथ को वेबिनार दें, एंड वी आर रियली होपफुल कि हमें आपसे बहुत सारी चीजें सीखने का मौका मिलेगा। बहुत शुक्रिया जुबैर एंड जफर फॉर इनवाइटिंग मी। रियली आई फील प्रिविलेज्ड कि आप लोगों के साथ मुलाकात शेयर करने के लिए कुछ कुछ अपॉर्चुनिटी मिली मुझे ओवर हियर। देखिए, आज मैंने कहा कि मैं चूंकि इस थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन, मैं कुछ और भी बातें बीच में ऐसे करूंगा क्योंकि माई अंडरस्टैंडिंग इज, और आप लोग ऐसा कीजिएगा कि ये कोशिश करेंगे इंटरेक्टिव सेशन रखें, तो जो भी है आपको यहाँ चैट मेरे ख्याल में अवेलेबल होगी इसके अंदर। इज इट अवेलेबल? लेट मी सी। हाँ, तो चैट पे आप अपने कमेंट्स वगैरह प्लीज़ शेयर करते रहिएगा, और मैं अपनी प्रेजेंटेशन उस 45 मिनट 50 मिनट के अराउंड होगी होपफुली। ये मैंने प्रेजेंटेशन पिछले 1 साल में यहाँ पे लम्स के विजिटिंग एग्जीक्यूटिव एमबीएस के ग्रुप को भी दी थी। फिर मैं पाकिस्तान गया था दिसंबर में, तो वहाँ पे भी मैंने एनईडी में भी दी थी, और एक और पाकिस्तान ट्रेनिंग एकेडमी, उन लोगों ने इनवाइट किया था, तो वहाँ पे काफ़ी सारे एग्जीक्यूटिव से। तो मैंने कहा कि आप लोग फ्रेश, मेरा अंदाज़ा है कि आप लोग सब या तो ग्रेजुएट होने वाले हैं या हो चुके हैं रिसेंटली, तो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं या फिर होने वाले हैं स्टूडेंट्स हैं। तो मैंने कहा कि वही प्रेजेंटेशन मैं आप लोगों को भी देता हूँ। कुछ चीज़ें हैं जो मैं मे बी स्किप कर दूंगा, लेकिन मेरा गोल ये है टुडे कि मैं जो है आपको थोड़ा सा डिफरेंट पर्सपेक्टिव दूं। ऑब्वियसली ये आईकोड गुरु तो बड़ा अच्छा काम कर रहा है टेक्निकल स्किल्स वगैरह के अंदर, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंट जाविये से आपको दूंगा कि प्रोफेशनल सक्सेस में क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है और क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है गोइंग फॉरवर्ड। तो आपको कोई भी क्वेश्चन हो, बिला झिझक चैट में आप क्वेश्चन कीजिए। आई विल ट्राई टू एड्रेस इट एज मच एज पॉसिबल, और एट द एंड ऑफ द टॉक आप जो हैं उसके बाद अपने आप को अनम्यूट करके भी आप डायरेक्टली सवाल कर सकते हैं। तो कोई कोई सवाल ये मत समझिएगा कि इट्स अ स्टूपिड क्वेश्चन, इट्स अ बेसिक क्वेश्चन, देर इज नो सच थिंग एज स्टूपिड क्वेश्चन। अपनी क्यूरियोसिटी को वो रखिएगा। तो दीज आर ऑल, जो भी मैं शेयर करूंगा मेरा पर्सपेक्टिव है बेस्ड ऑन माई लाइफ एक्सपीरियंसेस, टेक इट एज यू विल। लेकिन होपफुली आपको थोड़ा अच्छा इस प्रेजेंटेशन में एक चीज़ आपको बता दूं कि आप लोग यू विल लर्न समथिंग अबाउट योर सेल्फ टुडे कि जो आपको आगे फ्यूचर में इंशाल्लाह हेल्प करेगी। ठीक है, तो विद दैट लेट मी स्टार्ट शेयरिंग माय प्रेजेंटेशन हियर। गिव मी 1 सेकेंड, मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि सही तरह आ जाए। ये मेरी प्रेजेंटेशन नज़र आ रही है सबको? जस्ट अगर कोई कंफर्म कर दे तो दैट विल बी ग्रेट। यस सर, आ रही है सबको? वेरी नाइस वेरी नाइस। और मैं चैट भी खोल लूँ कि अगर कोई चैट में करे तो आई कैन सी द चैट हेयर। गिव मी 1 सेकेंड। ठीक है, मेरे ख्याल में कोई 70 के करीब हो गए सब लोग, तो वेरी नाइस। चलिए, वेरी गुड। तो अच्छा, एक और चीज़ मैं बताऊं कि मैं क्यों समझता हूं कि मैं इस टॉपिक पे थोड़ा बात कर सकता हूं। इसकी वजह ये है
एक तो ये कि मेरे कोर्स ऑफ माय करियर किस्मत की वजह से और मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं इतने स्मार्ट लोगों के साथ काम कर सकूं कि जिसकी वजह से मैं खुद भी ग्रो कर सकूं और अपॉर्चुनिटी मुझे मिल सके। तो इस जर्नी के अंदर जब मैं डेवलपमेंट में था और इवन नाउ भी, तो मेरे कोई 7 US पैटर्न्स भी हैं, और हमारी टीम ने जब मैं इनोवेशन और ट्रांसफॉर्मेशन में था तो वी हैड वन 2 डिज़ाइन अवार्ड्स ग्लोबल, एंड वन ऑफ द बेस्ट अवार्ड्स इज रेड डॉट अवार्ड। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी किया था। और फिर मैंने कोशिश ये की थी कि अपनी जो मेरी एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, उसको मैं शेयर करूँ ज़्यादा लोगों से। तो जब मैं दुनिया की बड़ी कंपनियों के साथ काम कर रहा था एज पार्ट ऑफ SAP ट्रांसफॉर्मेशन यूनिट, तो मैंने वो नॉलेज जो है कैप्चर की अपनी बुक के अंदर जो मैंने पब्लिश की कुछ सालों पहले एज वेल। तो आप लोग फील फ्री टू रीच आउट टू मी आफ्टरवर्ड्स एज वेल। बट मैंने कहा कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आजकल के ज़माने में कि किस तरह हम लोग अपने आप को अभी रेलिवेंट स्टे कर सकते हैं। आई होप कि मैं, अगर बीच में मेरी कोई टर्मिनोलॉजी, कोई चीज़ ऐसी मैं बोलूं कि जो समझ में नहीं आ रही हो या क्लैरिफिकेशन रिक्वायर्ड है, तो प्लीज़ जंप इन एंड एंड आस्क मी, आई बी हैप्पी टू एड मोर। और मुझे, इवन तो मैं कराची से हूँ, लेकिन चूंकि यहाँ पे वर्क सिचुएशन में हम सिर्फ इंग्लिश में ही बात चल रही होती है, तो जितनी भी मेरी प्रेजेंटेशन है उसमें काफ़ी इंग्लिश टर्मिनोलॉजीज हैं। तो अगर कोई चीज़ आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए हो तो प्लीज़ जंप इन एंड लेट मी नो, एंड आई'ल ट्राई टू एक्सप्लेन एज बेस्ट एज आई कैन। ठीक है। तो अच्छा, अब इसके साथ तो मैंने कहा कि मोर रेलिवेंट टॉपिक जो है इस प्रेजेंटेशन का वो ये है कि आप किस तरह फ्यूचर के लिए रेडी हो सकते हैं। ठीक है ना। एक तो एक चीज़ तो ये कि टेक्निकल स्किल्स ऑब्वियसली वो तो ज़रूरी है ही, लेकिन उसके अलावा क्या चीज़ है। तो मैंने इस प्रेजेंटेशन में किया कि लेट मी जस्ट सेट द स्टेज कि इसमें कोई ऐसी नई बात नहीं है जो हम सबको ना पता हो। आप सबको पता है कि दुनिया बदल रही है, और दुनिया बदल रही है बहुत बहुत सारी टेक्नोलॉजीज की वजह से, जिसमें क्लाउड कंप्यूटिंग आ जाता है, जिसमें IoT आ जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑब्वियसली वी ऑल आर ट्राइंग दैट। और उसकी वजह से ये हो रहा है कि मशीन्स, कंप्यूटर सिस्टम्स आर एबल टू डू वो चीज़ें जो ह्यूमंस कर सकते थे, वो और अच्छी तरह और फास्ट और स्केल पे कर सकते हैं। राइट। पहले हम समझते थे कि सिर्फ जो लेबर इंटेंसिव टास्क हैं वो वाले ऑटोमेट होंगे, लेकिन अब पिछले 6 महीने में अगर आपने, सबने यूज़ किया होगा ChatGPT या समथिंग लाइक दैट, या गूगल बार्ड है, यही हो कि आप ये देख रहे हैं कि इवन जो वाइट कॉलर स्किल्स थी, जिसमें आपको इंग्लिश के सेंटेंसेस फॉर्मुलेट करने हैं, एसेज लिखने हैं, या कोई भी चीज़ करनी है, वो सब भी ऑटोमेट हो रहे हैं एट अ वेरी फास्ट स्पेस। ठीक है ना। तो जो पुराने मॉडल, जिस तरह दुनिया ने, और एक कुछ एस्टिमेट्स के मुताबिक तो अगले 10 साल में इस दुनिया में इतने चेंज आएंगे कि जो पिछले 200 साल के अंदर ना आए, उसका स्केल अगर आप देखें तो 10 से 20 साल के अंदर। तो इमेजिन, पुरानी वेज ऑफ वर्किंग एंड डूइंग बिजनेस आर चेंजिंग। ठीक है। और उसमें कोई सरप्राइज नहीं है, आई थिंक ये आप लोगों को सबको अंदाजा है, लेकिन मैं थोड़ा सा और बता रहा हूँ आप लोगों को। अच्छा, चैट के अंदर मैं आपको सवाल करूंगा, तो प्लीज चैट में आता कीजिए। किस किस ने सुना है मूअर्स लॉ के बारे में? हैव यू हर्ड अबाउट मूअर्स लॉ? नहीं सुना। अच्छा, किसी ने सुना है। ठीक है, ठीक है, वेरी नाइस। तो 1965 में गॉर्डन मूर, जो इंटेल के फाउंडर भी थे, उन्होंने लिखा था कि एवरी 18 मंथ्स जो असल जो चिप होती है ना वेफर के ऊपर, सिलिकन पे, उस पे नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स होते हैं जिसकी वजह से उसकी कंप्यूटिंग कैपेसिटी होती है। तो उन्होंने ये प्रेडिक्ट किया था कि एवरी 8 ईयर्स सेम प्राइस पे डबल नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स चिप पे आएंगे। और वो जो गॉड मूअर्स लॉ है वो अभी तक चल रहा है। अच्छा, इस वो क्या चीज़ फॉलो कर रहा है कि अगर कोई भी चीज़ डबल हो रही हो फॉर एनी ड्यूरेशन, सो इट्स एक्चुअली फॉलोइंग अ एक्सपोनेंशियल कर्व, नॉट अ लीनियर कर्व, कि ये एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस टू, वो लीनियर नहीं है, ये एक्सपोनेंशियल है। इसमें क्या होता है कि शुरू के 7-8 इटरेशंस में तो यू डोंट फील द डिफरेंस, लेकिन एज सून एज 8वां 9वां इटरेशन आता है, तो ये जो आप देख रहे हैं ना, नी ऑफ द एक्सपोनेंशियल कर्व आता है, एकदम इतना चेंज हो जाता है कि जो पुराने थिंकिंग के लोग हैं या बिजनेसेस हैं, दे के नॉट सस्टेन। और अब ये चेंज इतना फास्ट हो गया है कि हर 2 से 6 महीने में परफॉर्मेंस इंप्रूव होती, डबल होती जा रही है, नॉट जस्ट इंप्रूव, डबल। सो ये एक्सपोनेंशियल कर्व जो है फास्टर होता जा रहा है और शॉर्टर होता जा रहा है। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि जितनी भी चेंजेस हो रही है ना,
हम लोग सोचते हैं कि लीनियरली ह्यूमन माइंड्स ओनली लीनियरली सोचने के काबिल है, लेकिन जो ये टेक्नोलॉजिकल चेंज हो रहा है ना, ये एक्सपोनेंशियल हो रहा है, एंड इट इज हार्ड टू इमेजिन कि उसका इम्पैक्ट क्या हो। तो अभी हम डिफरेंट टेक्नोलॉजीज में डिफरेंट स्टेज के ऊपर हैं। तो इसका वो क्या हो रहा है कि इससे इम्पैक्ट ये हो रहा है कि देर इज अ मेजर रिस्क राइट नाउ। और अगर आपने थोड़ा बहुत ऑनलाइन वो देखा होगा कि कि हम लोगों को अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि मुश्किल ये हो रही है कि फ्यूचर के अंदर ह्यूमन बीइंग्स, आप और हम, हमको मसला ये होगा कि इस टेक्नोलॉजिकल चेंज की वजह से हम लोग इररेलीवेंट होते जा रहे हैं। भाई क्यों चाहिए आपको, अगर एक बंदा, अगर कंप्यूटर 10 बंदों का काम 24/7 ग्लोबल स्केल पे कर सकता है, तो आपको बंदे क्यों चाहिए जो एरर प्रोन भी होते हैं, 7-8 घंटे के बाद उनके दिमाग भी थकना शुरू हो जाता है। तो आप ये सोचें कि आप जो है, जो भी काम, नॉट जस्ट रिपेटिटिव बट काफी क्रिएटिव काम भी चेंज होते जा रहे हैं। तो अब क्या हम कर सकते हैं इंडिविजुअली एज वेल एज अ बिजनेस टू स्टे रेलिवेंट। तो वो मैं इस टॉक में ये दो चीजें कवर करूंगा कि हाउ टू स्टे रेलिवेंट इन बिजनेस एंड इंडिविजुअल। तो बिजनेस वाले को मैं थोड़ा सा फास्ट मूव कर लूंगा, बट वाई दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, बिकॉज जब आप ग्रेजुएट करेंगे या अभी आप अगर फील्ड में अभी आ रहे हैं, तो यू विल बी ज्वाइनिंग कंपनीज और यू विल बी क्रिएटिंग योर ओन कंपनी, ठीक है? तो उसमें आपको देखना होगा किस कंपनी को आप ज्वाइन कर रहे हैं, और कुछ चीज़ें जो मैं आपको बताऊंगा वो आपको होपफुली हेल्प करेंगी। और दूसरी चीज़ ये है कि वो एज एन इंडिविजुअल आपको क्या चीज़ें रखनी है अपने मद्देनज़र, और उसको अपने माइंड को ट्रेन करना है उसके लिए, ताकि आप फ्यूचर के लिए अगले 50 साल के लिए रेडी हो, ठीक है? तो होपफुली आपको ये चीजें रेलिवेंट लगेंगी आज के उसमें। तो सबसे पहले चेक करते हैं कि एज अ बिजनेस हाउ कैन यू स्टे रेलिवेंट, ठीक है? अच्छा, एक कुछ चीजें मैं और आपको और भी बताऊंगा जो मैंने, बीइंग एन इंजीनियर, आई डिड नॉट लर्न अबाउट इकोनॉमी एंड 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 बिजनेस एक्सेट्रा, मेरी एक्सपीरियंस से, एंड देन ड्यूरिंग माई MBA आई ऑल्सो लर्न, बट देन मोर इम्पोर्टेंटली अपने एक्सपीरियंस से, हाउ बिजनेस आर रनिंग, हाउ मार्केट्स में ग्लोबली स्केल कर रहे हैं, उससे मैंने सीखा। तो एक चीज जो है ना, अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज फील फ्री टू एंटर ओवर हेयर, कि आपने सुना होगा फ्री मार्केट कैपिटलिज्म, जैसे अमेरिका के अंदर एक मैसिव स्केल पे है, और अगर आप दुनिया में देखें तो दो तरह के सिस्टम्स होते हैं। एक होते हैं फ्री मार्केट कैपिटलिस्ट सिस्टम, कि जिसके अंदर कैपिटल जो है ना वो रन करता है इकोनॉमी को, प्राइमरली प्राइवेट एंटरप्राइज होती है। दूसरा होता है कम्युनिज्म और सोशलिज्म, जिसके अंदर गवर्नमेंट रन कर रही होती है। तो आप ये मुझे बताइए कि क्या चीज़ एक ऐसी फिनोमिना है, आपने शायद किसी ने आपने सुना हो, अगर है तो प्लीज़ रख दीजिए, कि फ्री मार्केट कैपिटलिज्म इकोनॉमी जो है वो क्या चीज़ है उसको जो डिस्टिंग्विश करती है फ्रॉम सोशलिज्म या कम्युनिज्म। कोई अगर आंसर हो तो प्लीज़ राइट कीजिए चैट में। अच्छा, एक क्वेश्चन बीच में ये आ रहा है कि इंटर्नशिप बर्थ वाले, इंटर्नशिप इज एब्सोल्युटली क्रिटिकल, क्योंकि इंटर्नशिप चाहे आप जॉब उसमें कर रहे हो, उसको आपको इंटर्नशिप जो है ना, आपको एक टेस्ट देती है प्रोफेशनल एक्सपीरियंस का, नंबर वन, आपको पता चलता है कि आप वर्क एनवायरनमेंट में काम किस तरह कर रहे हैं, दूसरा आपके कनेक्शन बनाती हैं आपके मैनेजर से, आपके न्यू टीममेट्स हैं और उस ऑर्गेनाइजेशन में और लोग हैं, तो इंटर्नशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको थोड़ा सा अपने एकेडेमिया से बाहर निकल के कि रियल लाइफ कैसे काम करती है, तो इंटर्नशिप ऑब्वियसली, इफ यू हैव एनी अपॉर्चुनिटी डू एन इंटर्नशिप, अगर वो पेड ना भी हो फिर भी आप करें एक्सपीरियंस के लिए और कनेक्शंस के लिए, ठीक है? अच्छा, कंपटीशन, बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक चीज मैं आपको बताऊंगा, नई टर्म आप लोगों ने शायद सुनी हो कि हाँ, नो लिमिट ऑफ अमाउंट ऑफ मनी, ये सब चीजें आती रहती हैं, बट एक चीज है विच इज कॉल्ड क्रिएटिव डिस्ट्रैक्शन। किसने सुना था ये टर्म आज से पहले? कोई बात नहीं, अगर नहीं सुना तो मैंने भी यहीं आगे सुना था। तो क्रिएटिव डिस्ट्रैक्शन ये होता है कि एक इंडस्ट्री या कंपनी चल रही है बहुत सालों से, और एक नई अब टेक्नोलॉजी या नई कंपनी आती है, वो उसको डिसरप्ट कर देती है। फॉर एग्जाम्पल, रिटेल बिजनेसेस यहाँ पे, जैसे वॉलमार्ट है वहां पे आप देख रहे होंगे, और जो रिटेल स्टोर्स हैं वो सैकड़ों सालों से हैं, लेकिन एक अमेजोन आया, टेक्नोलॉजी की बेस पे ऑनलाइन डिलीवरी शुरू कर दी, उसने डिसरप्ट कर दिया, राइट? इसी तरह टिकटॉक है और ये सब मीडिया हैं जो बिल्कुल डिफरेंट ले आ रहे हैं, जो अब नॉर्मल जो मीडिया थे ट्रेडिशनल, उनकी रेलेवेंस खत्म हो रही है बिकॉज ऑफ दी सोशल मीडिया। सो दिस इज कॉल्ड क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। नासा थी और गवर्नमेंट कंपनीज स्पेस में जाती थी, लेकिन एक स्टार्टअप फ्रॉम पालो आल्टो टू स्पेस एक्स, वो आई और उसने जो है ना पहली प्राइवेट एंटरप्राइज बनी कि जो स्पेस में ले जा रही है, और उसने इतना अच्छा किया कि रीयूजेबल रॉकेट भी बनाए।
तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं टू क्रिएटिवली डिसरप्ट, इससे फायदा। और ये चीज है ना, कम्युनिज्म और सोशलिज्म में नहीं मिलती आपको, ये आपको कैपिटलिज्म में मिलती है, क्योंकि यहाँ पे इंसेंटिव होता है कि आप आए और चैलेंज करें हाउ थिंग्स आर वर्किंग, एंड देन आपने अपने फुल रिस्क लिया एंड देन यू अर्न द रिवॉर्ड एज वेल। दैट्स व्हाई इलॉन मस्क, जेफ बेजोस, बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग, दे बिकम द रिचेस्ट पीपल ऑन अर्थ। दे डिड नॉट कम फ्रॉम अ किंग फैमिली और अ सुपीरियर फैमिली, दे एक्चुअली बिकेम बिलियनर्स, रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ दिस फिनोमिना, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। दे डिसरप्टेड, दे डिस्ट्रॉयड द एग्जिस्टिंग बिजनेस मॉडल्स, दे डिस्ट्रॉयड द एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री, एग्जिस्टिंग कंपनीज, एंड देन बिकेम द बिहीमथ दैट दैट वी सी टूडे। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो इससे ना कुछ चीज़ें हैं जो आपको भी जहन में आएंगी कि आप भी चीज़ों को स्टार्ट लुकिंग इसी तरह देखने चाहिए कि मैं आप क्यों नहीं सोच सकते उस तरह जिस तरह इन लोगों ने सोचा। अच्छा, अब मैं आता हूँ दोबारा से क्विकली, अब आई विल ट्राई टू लाइक मूव फास्ट क्योंकि टाइम थोड़ा सा वो हो रहा है। किसी भी नया प्रोडक्ट, नई कंपनी को लॉन्च करने के लिए एस कर्व होता है। एस कर्व का मतलब ये है कि शुरू के अंदर आप जो हैं, यहाँ पे आपको पता नहीं कि आपका आइडिया जो है ना वो चलेगा कि नहीं चलेगा। आप बड़े एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं कस्टमर्स के साथ, प्रोडक्ट प्रोटोटाइप करते हैं, वो फिर देखते हैं। यहाँ पे आते हैं ना तो एक चीज़ मिलती है, प्रोडक्ट मार्केट फिट, कि भाई हाँ भाई अब जो आपका आइडिया था उसके लिए इतनी मार्केट है कि बिजनेस लॉन्च हो सकता है। जब होता है तो फिर कैपिटल फ्लो होता है, इन्वेस्टर्स भी आते हैं और आप जो है ना स्केल करते हैं, चाहे वो आप डोमेस्टिकली करें पाकिस्तान में या आप ग्लोबली करें कहीं पे भी, और वो आइडिया एकदम से राइज करता है। फिर एक टाइम आता है कि उस आइडिया के अंदर सेचुरेशन आ जाती है और फिर वो यहाँ पे पहुंच जाता है कि इट्स नो मोर ग्रोइंग एट द सेम पेस एट इट यूज टू। उसके बाद पता है क्या होता है, या तो वो ऊपर जाता है, एक नया एसकर्व ढूंढता है बिजनेस, या वो नीचे जाता है। तो अगर आप कोई बिजनेस ज्वाइन कर रहे हो तो आप ये सोचें कि यार ये बिजनेस, जाहिर है पाकिस्तानी कॉन्टेक्स में, या आप अगर बाहर रह रहे होंगे तो वहां कॉन्टेक्स में आप देखिए ये बिजनेस आपका जो है वो इस एस कर्व में कहां पे लैंड कर रहा है। जो अगर आप स्टार्टअप ज्वाइन करेंगे तो वो यहां पे होगा, राइट? तो एक्साइटिंग है, नई एक्सपेरिमेंटेशन हो रही है। अगर आप स्टैब्लिश कंपनी करेंगे तो वो यह कहीं यहां पे होगी, और अगर आप बहुत पुरानी कंपनी है और वो मतलब स्टेल हो गई है या मतलब कि ज्यादा इतना इनोवेशन आ नहीं रही तो वो यहाँ पे हो गई। तो आपको ये भी एक फैक्टर होता है टू सी कि यार कौन सी कंपनी आपको ज्वाइन करनी। अब कई सारी एग्जाम्पल्स हैं दुनिया में कि जिन लोग ऐसी कंपनी जो पुरानी थी उन्होंने अपने आप को नया एसकर फाइंड किया, ट्रांसफॉर्म किया और दोबारा सक्सेसफुल हुई। और कई ऐसी कंपनीज हैं और इंडस्ट्रीज हैं, इवन लाइक टैक्सी इंडस्ट्रीज, अब करीम की वजह से या ऊबर है और 25 ऐप्स हैं इस तरह की, उसकी वजह से टैक्सी का तो अब वो खत्म ही हो गया, अब कोई भी टैक्सी नहीं ले रहा होता आजकल। इसी तरह नोकिया एक जमाने में क्या जबरदस्त सेलफोन थी, तो वो इधर है, वो इस तरह। अच्छा, ये मैं इसी अभी मैं देख रहा हूँ, ये एस कर्व वाली स्क्रीन है सबके लिए। स्क्रीन मेरी क्या स्टक हो गई है, चल रही है? उज़्मा के लिए स्क्रीन स्टक हो गई मेरे ख्याल में। सर सर आपकी आपका, फर्स्ट स्लाइड शेयर है। अच्छा, लेट मी स्टॉप एंड देन शेयर अगेन। ओके, थैंक यू फॉर टेलिंग मी। अच्छा, लेट मी ट्राई, देखें शेयर हुआ आप क्या? यस सर यस, विजिबल। आ गया। चलिए, थैंक यू फॉर टेलिंग मी, इसीलिए मैंने ये चैट खोली हुई। तो ठीक है, तो अगर आप, अगर कंपनी यहाँ पे पहुँच गई ना तो ऑलरेडी कंपटीशन मार्केट में है, नई टेक्नोलॉजी आ गई है, तो वो उसको फिर अब बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन अगर कंपनी यहीं पे ग्रो कर रही है तो फिर वो चूज कर सकती है अपने आप को चेंज करने के लिए। अभी कोई एग्जाम्पल आपको पता है कि इस वक्त कौन सी कोई ग्लोबल कंपनी है जिसको आप समझें कि वो यहाँ पे है एंड इट्स ट्राइंग टू सी वेदर इट कैन ट्रांसफॉर्म और इट विल डाई? कैन कैन एनीबडी काइंड ऑफ थिंक ऑफ एनी कंपनी जो यहाँ पे हो इस वक्त? फेसबुक ओपन ए आई ओपन ए आई, हाँ, ओपन ए आई तो इस वक्त यहाँ पे है इधर, राइट? लेकिन गूगल भी, और आपने सही कहा फेसबुक वगैरह, तो वो इधर है एंड यू कैन लाइक थिंक अबाउट इट। ओपन एआई तो उसने आके डिसरप्ट कर रही है, राइट? तो बॉस्टन डायनेमिक्स हैं, ठीक है, तो वो आपके अपने उसके ऊपर पर्सपेक्टिव्स है, बट या आई मीन दैट्स व्हाई आई एम काइंड ऑफ होपफुली दिस विल बी, दिस इज क्लियर। तो इस वक्त जो है ना, मैंने कई, चूंकि बहुत लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया, तो इसेंशली देर आर तीन वेज जिसके अंदर यू कैन सी। एक आप देख सकते हैं कि भाई मैं अपनी कंपनी का बिजनेस मॉडल कैसे चेंज कर सकता हूँ। जैसे आज मैं अगर सेल कर रहा हूँ डायरेक्टली, क्या मैं इसको सब्सक्रिप्शन कर सकता हूँ, क्या मैं इसको यूजेज बेस्ड प्राइसिंग कर सकता हूँ, क्या मैं एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म कर सकता हूँ। दूसरा एक अप्रोच होती है कि लुक एट द टेक्नोलॉजी, एआई मेरे लिए क्या कर सकती है, क्लाउड मेरे लिए क्या कर सकती है, रोबोटिक ऑटोमेशन मेरे लिए क्या कर सकती है। तीसरा अप्रोच इज के कस्टमर एक्सपीरियंस, के कस्टमर के क्या एक्सपीरियंस है, कस्टमर्स किस तरफ जा रहे हो।
तो आप बताइए कि अगर आप एक कंपनी को ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हो तो आप किस पे फोकस करेंगे? बिजनेस मॉडल पे फोकस करेंगे, टेक्नोलॉजी पे फोकस करेंगे, या कस्टमर्स पे फोकस करेंगे? क्विकली जल्दी से चैट पे लिख दीजिए। टेक्नोलॉजी, ओके, अब्दुल वहाब साहब ने टेक्नोलॉजी का, टेक्नोलॉजी आयशा नबी का, ऑल थ्री। फोकस तो एक पे होता है भाई, ऑल थ्री पे फोकस नहीं होगा। फैजान साहब कौन है? रेहान साहब, बिजनेस मॉडल, कस्टमर्स, बिजनेस, ओके, गुड गुड। चलें, अब इसका ना मैं आंसर देने के बजाय लेट मी वॉक यू थ्रू द अप्रोच कि किस तरह मैं आंसर इसका फाइंड आउट करते हैं, ठीक है? तो अब इमेजिन करें कि एक कंपनी है जो फिजिकली फोकस्ड है, ट्रेडिशनल कंपनी है, ज़्यादातर सेल्स पीपल जाते हैं, सेल करते हैं और वो चीज़ें कर रहे होते हैं, वेरी लिटिल सेल्फ सर्विस एट ऑल एनी। लेकिन कंपनी ने रिकॉग्नाइज किया भाई कॉम्पिटिशन आ रहे हैं, हमको ग्रो करने के लिए सेल्फ सर्विस टेक्नोलॉजी को यूज़ करना है, सेल्स भी रहेगी लेकिन इस तरह करना, डिजिटली फोकस करना है अगले 3-4 साल के अंदर, ठीक है? तो अब उसके अंदर वो ये देख सकते हैं टेक्नोलॉजी को, कि कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हो सकती है, कौन से प्रोसेसेस, न्यू प्रोसेसेस आ सकते हैं। ये कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूअस डिलीवरी होती है सॉफ्टवेयर के अंदर, और डेवऑप्स ट्रांसफॉर्मेशन एक्सेट्रा। बट लेट्स स्टार्ट काइंड ऑफ लुकिंग एट हु आर द पीपल हु आर इंपैक्टेड, लाइक कस्टमर्स, नंबर वन कस्टमर्स। एंड देन इफ यू लुक एट व्हेन, अब आप एक ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं कंपनी को, तो उसके अंदर बहुत डिफरेंट डिविजन्स होते हैं, सेल्स है, केयर है, प्रोडक्ट है, ऑपरेशंस है, आईटी है एंड अदर्स है। अगर आप ये देखें ना, ये इसेंशियली ये दो सेगमेंट्स हैं, वन इज कस्टमर्स, वन आई कॉल इंटरनल स्टेक होल्डर्स। एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, ऑल ऑफ दीज आर ह्यूमन बींग्स, ठीक है? हम लोग समझते हैं कस्टमर को बेच रहे हैं कि कस्टमर कोई एक एंटिटी ऐसी है कि फिक्टिशियस एंटिटी, एक्चुअली वी आर इंटरेक्टिंग विद ह्यूमंस। ह्यूमन, अगर वो डेवलपर भी है कस्टमर, तो वो डेवलपर एपीआई इंटीग्रेट कर रहा है और फिर वो क्रेडिट कार्ड यूज करके पेमेंट कर रहा है, ठीक है ना? तो वो एट द एंड ऑफ द डे देर इज अ ह्यूमन हु इज डूइंग, हु इज एक्चुअली डूइंग दैट। सो व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू, नंबर फर्स्ट, हाउ टू अंडरस्टैंड द कस्टमर नीड्स। फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड द कस्टमर नीड्स, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स एंड द इवॉल्विंग। तो उसके लिए अब मेरा एक क्विक आपके लिए क्वेश्चन है। आप लोग, अ लॉट ऑफ देम यू आर इन फ्रॉम कराची एंड अदर, बट क्विक आंसर दीजिए कि सबसे अच्छा तरीका क्या है कराची से लाहौर जाने का? जल्दी से आंसर दीजिए। प्लेन है, ट्रेन है, ठीक है, प्लेन, बस, फ्लाइट, ओके ओके, रोड है, ठीक है, ओके। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ, हाइपर लूप। अच्छा, हाइपर लूप अभी आए नहीं, लेकिन अच्छा, गुड। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं कराची से लाहौर क्यों जाना चाहता हूँ। मुझे एक्चुअली, मैं कराची में काम करता हूँ और मुझे लाहौर से बड़ी अच्छी ऑफर आई है, और कंपनी जो है ना मुझे पे कर रही है पूरी फैमिली को वहाँ मूव करने के लिए। तो अब उसके लिए मुझे खाली यही नहीं कि मुझे प्लेन चाहिए, मुझे, मैं खाली मेरी फैमिली को ट्रिप ट्रिप करना है, एक तो मुझे बच्चों के स्कूल को देखना है, मुझे एक नया रेंटल होम चाहिए देखना है वहाँ पे, मुझे एक ट्रक चाहिए, मूविंग कंपनी जो मेरे सामान को लेके मूव करे, राइट? तो अगर लेट्स से कि मैं एक एग्जीक्यूटिव हूँ कराची में, मुझे दोपहर की मीटिंग है लाहौर में, तो मैं सुबह की फ़्लाइट लेके शाम में आ सकता हूँ। अगर मैं वेकेशन पे जा रहा हूँ फैमिली के साथ, तो ट्रेन हो सकती है अच्छी, कि भाई साइट सीइंग करते हुए जा रहे हैं। अगर मैं स्टूडेंट हूँ, जैसे आप लोग कई सारे स्टूडेंट्स हैं, ज़्यादा पैसे भी नहीं है जेब में, तो भाई बस पे या ट्रेन पे जा रहे हैं या हिच हाइक कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, राइट? तो सवाल एक ही था, लेकिन जवाब वॉज टोटली डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन हु वॉज ट्रेवलिंग एंड वॉट वॉज द कॉन्टेक्स्ट। सो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट द क्वेश्चन, इट इज अबाउट हु इज दैट क्वेश्चन एंड वॉट इज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दैट पर्सन। दैट्स वेयर डिजाइन थिंकिंग कम्स इन टू प्ले। डिजाइन थिंकिंग जो है ना, ये एक अप्रोच है, दिस इज एन, अगर आपने इसके बारे में सुना ही नहीं सुना, तो आप उसके बाद में रिसर्च भी कीजिएगा। तो इट्स अ ह्यूमन सेंटर्ड अप्रोच, कि इसका मतलब ये है कि आप जिस पर्सन को या जिस लोगों को आप उनकी नीड्स को सर्व कर रहे हैं, वो अंडरस्टैंड करें कि क्या नीड है, उनका कॉन्टेक्स्ट क्या है, सही है? और फिर आप देखें कि टेक्नोलॉजी से किस तरह उसको सॉल्व कर सकते हैं, बट वाइल यू आर डूइंग दैट, कि सॉल्विंग अ प्रॉब्लम फॉर अ ह्यूमन बीइंग और ह्यूमंस विद टेक्नोलॉजी, उसके क्या बिजनेस बेनिफिट है कि नहीं है। तो डिजाइन थिंकिंग ब्रिंग्स ऑल ऑफ दीज थ्री एंगल्स टूगेदर। अनदर एस्पेक्ट ऑफ डिजाइन थिंकिंग इज के इट इज अ मैथड टू सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब ये कि इट्स नॉट जस्ट अ वेरी सिंपल एंड ऑब्वियस प्रॉब्लम, इट इज कॉम्प्लेक्स, एंड मोर इंपॉर्टेंटली फाइंडिंग द राइट प्रॉब्लम टू सॉल्व। आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ,
मुझे इनवाइट किया था जब मैं पहले था कि एक एग्जांपल मैं स्टेट यूएस की एक स्टेट गवर्नमेंट के साथ काम कर रहा था। उन्होंने कहा कि भाई हमारे प्रोक्योरमेंट एग्जीक्यूशन को में प्रॉब्लम है, इनएफिशिएंसीज, आप आके सॉल्व कीजिए। प्रोक्योरमेंट मतलब जो बड़ी बड़ी कंपनीज बाय करती हैं चीज़ें, राइट, तो प्रोक्योरमेंट कहलाता है। तो उसकी एग्जीक्यूशन जब एग्जीक्यूट करते हैं उसको कि वो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और ये और वो, तो उसके अंदर ना बड़ी इनएफिशिएंसीज हैं। तो मैंने एक दिन का पूरी वर्कशॉप रखी, तो मैंने उनके बिजनेस लीडर्स, आईटी लीडर्स सबको बुलाया, और फिर हमने ना पूरा एक वॉल पे ना वेरी विद इन अ आवर और टू एक वो लिखा कि प्रोक्योरमेंट का साइकिल क्या है। तो पता चला प्रोक्योरमेंट एग्जीक्यूशन इट टुक 1 वीक आउट ऑफ अ 9 मंथ्स अ साइकिल, 9 महीने के अंदर से 1 वीक। मैंने कहा आप ये बताइए, ये 8.5 महीने जो है इसमें आप लोग करते क्या है अगर प्रोक्योरमेंट एग्जीक्यूशन में खाली 1 हफ्ता रख लगा। उन्होंने कहा उसमें है प्रोक्योरमेंट की रिक्वायरमेंट्स गैदर करने के, क्या चीज़ प्रोक्योरमेंट करनी है, कितनी करनी है, कहाँ करनी है, ये सब रिक्वायरमेंट गैदर करनी। मैंने कहा इसमें आपको अगर 9 महीने लग रहे हैं, 8.5 महीना, तो बेहतर ये नहीं होगा कि हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें इसमें, बजाय इसके प्रोक्योरमेंट एग्जीक्यूशन वहां पे अगर हमने 20% भी सॉल्व कर ली तो हमने 1 दिन बचाया, यहाँ पे अगर हमने 10% भी सॉल्व कर ली तो हमने 1 महीना बचा लिया। कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो फिर हमने वो पूरा प्रोजेक्ट का फोकस ही प्रोक्योरमेंट रिक्वायरमेंट गैदरिंग पे कर लिया। तो क्या हो गया, वॉट वॉज दैट दैट एसेंशियली द डिजाइन थिंकिंग अप्रोच हेल्प अस फाइंड आउट द राइट प्रॉब्लम टू सॉल्व बिफोर यू स्टार्ट सॉल्विंग द प्रॉब्लम। सो अनदर की पॉइंट, नंबर वन मैसेज वॉज ऑलवेज कोई भी प्रॉब्लम आप सॉल्व करें और लुक एट कि कौन बंदा है कितने, कौन किस तरह के कॉन्टेक्स्ट है, उनका प्रॉब्लम क्या है, और दूसरा कि आर वी सॉल्विंग द राइट प्रॉब्लम। तो डिजाइन थिंकिंग विल हेल्प यू डू दैट। सो दिस इज अ काइंड ऑफ अ वेन डायग्राम, डिजायरेबिलिटी, फोकस ऑन डिजायरेबिलिटी, अंडरस्टैंड द ह्यूमन नीड्स, ब्रिंग द टेक्नोलॉजिकल फीजिबिलिटी कि भाई उसमें आप प्रोटोटाइपिंग करके करते हैं, और फिर वायबिलिटी के इसके बिजनेस बेनिफिट है कि नहीं, इन तीनों को मिला के जब आप करेंगे ना तो फिर आप जो है ना, और ये आप चीजें अपने एकेडमिक प्रोजेक्ट्स में भी लगा सकते हैं, ये आप चीजें अपने इंटर्नशिप में भी प्रपोज कर सकते हैं, लगा सकते हैं, क्वेश्चंस कर सकते हैं, और अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर और अपना बिजनेस स्टार्ट करने में भी लगा सकते हैं। तो हेयर इज, मैं छोटा बताता हूँ, तो ऑलवेज जब भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी हो ना, थिंक ऑफ इट इन टू डिफरेंट एरियाज, वन इज द प्रॉब्लम स्पेस, वन इज द सोल्यूशन स्पेस। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि कोई भी प्रॉब्लम आई ना, स्टार्ट सॉल्विंग इट, आप थोड़ा सा स्टेप बैक करें एंड देन आस्क द क्वेश्चन कि यार व्हाट इज द प्रॉब्लम, फॉर हुम इट इज, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। तो यूजर जो है ना, टारगेट यूजर, उसको अंडरस्टैंड करें कि यार उस, वो मैं आप थोड़ा बहुत बताऊंगा कि किस तरह आप कर सकते हैं, ताकि आप सबसे पहले अंडरस्टैंड। आइंस्टाइन ने भी मेरे ख्याल में कहा था कि इफ आई हैव 1 आवर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, आई विल स्पेंड 55 मिनट्स टू आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम। क्योंकि अगर आपने रॉन्ग प्रॉब्लम सॉल्व कर लें तो आप जितने एफिशिएंटली भी कर लें वो प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं करेगी, रियल प्रॉब्लम। तो अगर आपने राइट प्रॉब्लम नहीं आइडेंटिफाई की तो आप सॉल्व नहीं कर सकते। सो दैट्स वन थिंग, प्रॉब्लम स्पेस, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम फर्स्ट एंड देन सेकेंडली कंटिन्यूइंग द यूजर इन द सेंटर, कीप इटरेटिंग एंड एक्सपेरिमेंटिंग टू सी कि कौन सा सोल्यूशन जो फीजेबल भी हो और वायबल भी हो, और जो कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व करे। वहां पे वो आता है कि देन इट बिकम्स अ मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। आपने ये शायद टर्मिनोलॉजी सुनी होगी एमवीपी, कि इसका एमवीपी आपने आपने पहले रिसर्च की, अंडरस्टैंड किया कि यूजर कौन थे, उनका प्रॉब्लम क्या था, उनका कॉन्टेक्स्ट क्या था, फिर आपने कोई प्रोटोटाइपिंग एंड एक्सपेरिमेंटेशन की टू फाइंड कि यार हाँ ये सोल्यूशन जो है ना इसमें दम है, ये फीस ये सॉल्व भी कर रहा है प्रॉब्लम यूजर की, उसके कॉन्टेक्स्ट में ये फीजिबल भी है, वायबल भी, अब आप उसको आगे स्केल कर सकते हैं। ठीक है, तो डिजाइन थिंकिंग का मैं थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी आपको बता दूं कि डिजाइन का जब भी हम टर्म सुनते हैं ना तो लोगों के जहन में आता है विजुअल्स कि यार किस तरह लग कैसा रहा है, राइट। तो उसमें ये है कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि हाउ इट लुक्स एंड फील्स, इट्स अबाउट हाउ डज इट फंक्शन। आप इतना इतनी खूबसूरत लुकिंग ऐप हो लेकिन अगर वो ऐप चल नहीं रही तो फायदा क्या, राइट। तो वो दोनों चीजें मिला के वो डिजाइन आती है। थिंकिंग में दो तरह की थिंकिंग आती है, एक होती है बिजनेस थिंकिंग, होती है क्रिएटिव थिंकिंग। बिजनेस थिंकिंग इज मोर अबाउट रैशनल, आप देख रहे हैं कि यार इसके बिजनेस वैल्यू क्या है, लॉजिकल देख रहे हैं। क्रिएटिव थिंकिंग में थोड़ी सी इमोशनल इंसाइट्स चाहिए। ये जितने भी आपने देख रहे हैं फेसबुक है, इंस्टाग्राम है और ये वो, दे एक्चुअली टच यू एट अ इमोशनल लेवल, हेल्प यू फाइंड कनेक्शंस, हैव दोस काइंड ऑफ इमोशनल एक्सपेरिमेंट, अ लॉट ऑफ इट्स मोर एक्सप्लोरेटिव कि आप जो है ना उसको, उसमें नॉवेल्टी का एलिमेंट आता है। तो डिजाइन थिंकिंग जो है ना, एक तरफ तो वो डिजाइन के एलिमेंट्स को लेती है और दूसरी तरफ क्रिएटिव एंड बिजनेस थिंकिंग को कंबाइन करती है। तो दैट्स वेयर इट कम्स आउट वेरी वेल। और दूसरी बात ये कि इट्स वेरी फोकस्ड ऑन एक्शन। सो मैं कहता हूँ इट्स अ मिस नोमर, मिस नोमर मीन्स ऐसी टर्म जो सही नहीं फिट हो रही हो, इवन तो उसको डिजाइन थिंकिंग कहते हैं, इट्स एक्चुअली
फोकस इज ऑन एक्शन डिजाइन डूइंग। एंड किस तरह होता है तो मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे कि अगर आपको कोई चीज सॉल्व करनी है, दिस इज पिक्चर फ्रॉम सम ऑफ द प्रोजेक्ट्स इन द पास्ट दैट आवर टीम डिड। तो अगर हम किसी प्लानर ट्रक के ट्रांसपोर्टेशन प्लानर के उसमें जा रहे हैं तो हम उनके साथ टाइम गुजारते हैं। अगर आप किसी ट्रक ड्राइवर का मसला सॉल्व करना चाह रहे हैं उसके साथ टाइम गुजार रहे हैं। अगर आपको किसी रिटेल की स्टोर के जो किरियाने की दुकान होती है उस पर खड़ा है उसके, तो आपको देखना चाहिए कि उसकी लाइफ कैसे चल रही है, वो वहां पे क्या कर रहा है। तो आपको जाके यूजर से, नंबर वन चीज है कि यूजर्स का मैंने बताया था ना प्रॉब्लम स्पेस आइडेंटिफिकेशन, तो आप जो है ना उनके साथ टाइम गुजार रहे हैं कि कौन यूजर्स हैं इनके साथ टाइम। जैसे हम लोग वो कर रहे थे राइड अलोंग, एक चीज होता है कि आप उनके साथ उनके उनके शूज में बैठे, एम्पैथी बिल्ड करें, राइट। जो हमारे रिलीजन ने भी सिखाया कि एम्पैथी, राइट, अंडरस्टैंड के दूसरों की क्या नीड है उनके कॉन्टेक्स्ट में। तो आप वो करें यूजर्स के साथ। आप खाली बैठे बैठे एक ऐप को इमेजिन करें कि वो ये जादू कर देगी, वो नहीं करेगी कभी भी, जब तक आप जिन यूजर्स को वो एड्रेस करेगी उनके साथ टाइम नहीं गुजारेंगे। आप हम गए थे इनके उनके घर में भी गए, ये प्रोजेक्ट था जिसमें हम उनके न्यूट्रिशन के नीड्स और न्यूट्रिशन कंपनी के साथ जो प्रोवाइड करती है, तो वो देख रहे थे कि किस तरह वो उसके इंग्रेडिएंट्स को चेक कर रही हैं जो जो मॉम थी। तो हमारी टीम उनके घर भी गई। फिर ये सारी चीज़ें हैं ना जो रिसर्च होती हैं फील्ड की, वो लेके आते हैं एक रूम के अंदर, सब चीज़ें वॉल में लगाते हैं। हम लेट्स से कि 10 यूजर्स का हमने इंटरव्यू भी किया उनके साथ, और राइड अलोंग भी किया, उनको ऑब्जर्व भी किया, उनसे जो अपने लर्निंग की है ना, वो जो लर्निंग होगी ना 1-2 घंटा एक यूज़र के साथ टाइम गुजारने से, वो लर्निंग किसी भी दुनिया के आप 6 महीने भी लगा लेंगे ना ऑनलाइन रिसर्च करने में, वो आपको नहीं मिलेगी। तो ऑलवेज रिमेंबर टू स्पेंड टाइम विद द टारगेट यूजर्स। फिर वो ला के आप वॉल पे लगाएं कि भाई ये हमने देखी, तो आप देखेंगे कई सारी थीम्स इमर्ज करते रहेंगी अक्रॉस द 10 यूजर्स दैट यू हैव इंटरेक्टेड विद, वो आप उठा के देखेंगे। फिर आप ये हमने फिर हम वो दैट विल हेल्प यू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। और आइडिएशन में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि डोंट बी फिक्स इट। अ लॉट ऑफ टाइम्स होता है कि प्रोटोटाइप में ना लोग टेक्नोलॉजी सोचने लगते हैं, अरे यार दैट अभी उठाते हैं जावा के अंदर कोडिंग कर शुरू कर देते हैं। नहीं, दैट इज द लास्ट स्टेप। द फर्स्ट स्टेप इज एक पेपर पर ही आप लिखना शुरू कर दें कि यार ये मैं अलग से, कि आपके ऐप अगर ऐप ना भी हो, कोई भी प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, तो आप उसका ना पेपर पे एक वो करें, स्टोरी बोर्ड एक चीज होती है वो भी कर सकते हैं। अगर ऐप है तो आप उसका पेपर पे ड्रॉ करें, यार ये चीज होगी। आप वो 2-3 पेपर साथ में लिखेंगे, भाई यूजर यहाँ आएगा, इधर जाएगा, उधर जाएगा, उधर जाएगा, आपको खुद स्टार्ट पिक्चर क्लियर होने लगेगी यार ये मेक सेंस कर रहा है या नहीं कर रहा। अच्छा, उस एक और चीज एस्पेक्ट डिजाइन थिंकिंग अंदर इंपॉर्टेंट है, वो है मल्टी डिसिप्लिनरी कोलेबोरेशन। जब आप कंपनी में काम कर रहे होते हैं, देयर आर डिफरेंट पीपल, मैंने बताया था शुरू में, सेल्स, ऑपरेशंस, आईटी, प्रोडक्ट्स, मार्केटिंग, इन सबको साथ लेके जो है ना आपको वो करना होता है। तो जब ये आप इंसाइट्स लेके आते हैं, इन सबकी पर्सपेक्टिव आते हैं कि आप, देयर इज अ लॉट ऑफ लर्निंग इन्वॉल्व, बट इट डज रिक्वायर अ लॉट ऑफ एक्सपर्टीज टू रियली रन अ वर्कशॉप लाइक दिस। आई मीन, ये आप ऐसे नहीं कर सकते, एडवांस कम्युनिकेशन एंड एडवांस फैसिलिटेशन स्किल्स की जरूरत होती है। बट द मेन पॉइंट आई वॉन्ट टू कन्वे इज आप इनपुट लीजिए, खाली यूजर ही नहीं, अगर आप कंपनी के अंदर ड्राइव कर रहे हैं ना वो चीजें, तो आप डिफरेंट लोगों से इंटरव्यू करेंगे, यार ऑपरेशंस के बंदे से, सेल्स के बंदे से, फाइनेंस के बंदे से, आईटी के बंदे से, तो उनका पर्सपेक्टिव, अपने आइडिया को, अपनी प्रॉब्लम जो आपने आइडेंटिफाई की, ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करें, उनसे वैलिडेट करें कि उसकी क्या इम्प्लीकेशन होगी। तो वो सब चीजें जो है ना डिजाइन थिंकिंग ब्रिंग्स इट टुगेदर। रैपिड प्रोटोटाइपिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन, प्रोटोटाइपिंग डज नॉट नीड टू बी फैंसी, यू कैन स्टार्ट विद अ कपल ऑफ मार्कर्स ऑन अ पीस ऑफ पेपर, राइट। तो वो आप उठाएं, जैसे ये वाला जो हम ये वर्कशॉप की मैंने वीडियो बनाई थी, ये जो थी दिस वॉज द फर्स्ट प्रोटोटाइप, उसके बाद हमने उसको इटरेट किया और फिर दैट वन द डिजाइन अवार्ड लेटर ऑन फॉर अ पोर्टल। अच्छा, डिजाइन इज वेरी इटरेटिव, इस ये नहीं है कि जो पहला आइडिया आ गया वही आपका लास्ट आइडिया होगा। अभी ये इस वॉल के ऊपर अगर जो देख रहे हैं, यहाँ पे मल्टीपल स्टोरीज थी कि हाउ द एक्सपीरियंस वुड लुक लाइक, और हमने यूजर को बुलाया था एंड उसको वी वॉक देम थ्रू एंड गॉट द फीडबैक कि कौन से एस्पेक्ट ऑफ द जर्नी, एक चीज कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड यूजर जर्नी, कि यूजर किस तरह स्टार्ट करेगा, पूरा कंप्लीट करेगा टास्क ऑल द वे, तो वो यूजर वॉज प्रोवाइडिंग फीडबैक इन ईच ऑफ दिस। नाउ इमेजिन, अभी तक हमने कोई ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं की, वी इन्वेस्टेड अवर टाइम ऑन डूइंग द रिसर्च, वी इन्वेस्टेड अवर टाइम इन जनरेटिंग आइडियाज, ब्रिंगिंग डिफरेंट परस्पेक्टिव टूगेदर, एंड वी इन्वेस्टेड अवर टाइम इन स्केचिंग दिस आउट ऑन अ पीस ऑफ पेपर, एंड देन हमने फीडबैक ली। अब ऑलरेडी वी हैड इनफ इन्फॉर्मेशन कि वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि अगर हम इसको टेक्निकल प्रोटोटाइप बनाएंगे, वी कैन देन टेस्ट विद द यूजर्स इन देयर हैंड्स।
तो होगा ये कि हम डी रिस्क किए जा रहे हैं पूरे प्रोजेक्ट को। डी रिस्क करने का मतलब ये है कि हमने ऑलरेडी रिसर्च की है, गॉट एन इनिशियल फीडबैक, नाउ अब हम जो हैं यूजर को इन्वॉल्व किया हुआ पूरे डिजाइन साइकिल में, कि हमारे चांसेस ऑफ गोइंग इन द राइट डायरेक्शन इज मच हायर। और आप डिफरेंट टूल्स हैं, स्टोरी टेलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई टॉक मोर अबाउट इट एज वेल, हाउ यू टेल अपनी कहानी, किस तरह बताते हैं आपके यार यूजर के। असल में जो है ना, जो चीज़ बिकती है, चाहे वो कंपनी के अंदर आइडिया हो, चाहे वो इन्वेस्टर्स को हो, वो बिकती है स्टोरी। आप किस तरह स्टोरी टेल करते हैं, वो उसके डिफरेंट टूल्स हैं, बट मोर इंपॉर्टेंटली आप किस तरह बयान कर रहे हैं उसको, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और एंड में जो आप देख रहे होते हैं ना, अमेजिंग ऐप जो आप लोग डेली बेसिस पे यूज भी कर रहे हैं, दे ऑल हैव गॉन थ्रू दिस काइंड ऑफ एन एक्सपीरियंस, राइट? तो वो तो आपको फाइनल एंड रिजल्ट नजर आ रहा था, एंड रिजल्ट आने से पहले ये पूरा प्रोसेस वो हुआ होता है जो डिजाइन थिंकिंग का होता है। ठीक है, तो कोई क्वेश्चन डिजाइन थिंकिंग के बारे में क्विकली बिफोर वी रन, हम जरा लेट हो रहे हैं तो इसलिए मैं जरा जल्दी से वो करूंगा। एनी क्वेश्चंस अबाउट डिजाइन थिंकिंग? इफ नॉट थिंक अबाउट इट, अगर क्वेश्चन हो तो एंड में कर लेंगे। अच्छा, दूसरा एस्पेक्ट था कि एज अ बिजनेस, राइट? तो ये बिजनेस के बारे में बता रहा था, चाहे वो आपका अपना बिजनेस हो, चाहे आप किसी बिजनेस में काम कर रहे हो, ये है। दूसरी एक और चीज होती है, टू अलाइन अक्रॉस द स्टेक होल्डर्स। तो आप चूंकि फ्रेश हैं, तो आप लोग तो नीचे होंगे कहीं पे इधर जब आप एंटर करेंगे कंपनीज को, बट एनी वेयर द इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट यू नीड टू अलाइन विद द स्ट्रेटजी एंड ये सब चीजें, बट मोर इंपॉर्टेंटली यू हैव टू रिकोगनाइज दैट आप खाली टेक्नोलॉजी टीम नहीं, आप जो है ना एचआर होगी, ऑप्स होगी, आईटी होगी, फाइनेंस होगी, मार्केटिंग होगी, देर आर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, और आप लोगों उन लोगों के पास नॉलेज होती है अबाउट द इंडस्ट्री, अबाउट द बिजनेस, तो आपको उनको इन्वॉल्व करना है अपने डिजाइन साइकिल में। वो किस तरह करते हैं? एज आई सेड, उनके साथ भी एम्पैथी शो करें, हैव अ लर्निंग माइंड सेट, एक्टिवली लिसन करें, फीडबैक गैदर करें, अर्न ट्रस्ट करें उनका, राइट? खाली यही नहीं कि सर मेरा आइडिया तो बहुत ही अच्छा है, बट ठीक है आपका अच्छा होगा, बट आप इलॉन मस्क नहीं है, आप स्टीव जॉब्स नहीं है, लेकिन आप सबकी पर्सपेक्टिव लें। इसके लिए आपको चाहिए होती है इमोशनल इंटेलिजेंस। तो वो इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है? कि टू बी एबल टू वर्क विद ईच अदर, अंडरस्टैंड ईच अदर, बी इन देयर अदर शूज, इन्फ्लुएंस अदर्स, देर आर मेनी स्टेजेस फॉर दैट, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्टे, अगर बिजनेस में रेलिवेंस को स्टे करने के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है? नंबर वन, अंडरस्टैंडिंग ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस योर कस्टमर्स यूजिंग डिजाइन थिंकिंग। द सेकेंड वन इज हैविंग पीपल हु हैव हाई इमोशनल इंटेलिजेंस टू रियली हेल्प ड्राइव द ऑर्गेनाइजेशनल चेंज इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नाउ अब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज दिस इज एन एरिया वेयर यू कैन ऑल्सो अप्लाई डायरेक्टली। हाउ कैन यू एज एन इंडिविजुअल स्टे रेलिवेंट गोइंग फॉरवर्ड? तो एक क्वेश्चन है, और इसका आंसर आप जो है चैट में लिखिएगा कि वॉट परसेंटेज ऑफ योर सक्सेस डिपेंड्स ऑन योर टेक्निकल केपेबिलिटीज। डू यू थिंक इट 70%? डू यू थिंक इट 45%? डू यू थिंक इज 15%? जल्दी से चैट में लिखिए, बताइए कि आप क्या समझते हैं कि टेक्निकल स्किल्स आपकी फ्यूचर सक्सेस के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। 15, 45, 10, नाइस, 30, 50, 15 to 30, 70, 70, 80, 15, 45, इट्स ऑल ओवर, वेरी नाइस, बट सीम्स लाइक ए लॉट ऑफ पीपल ऑलरेडी हैव दैट अवेयरनेस। मुझे बड़ी खुशी हुई क्योंकि जब मैं आप लोगों की उम्र में था तो मुझे तो इतना अंदाजा, मैं समझता टेक्निकल स्किल्स ही सबसे ज़्यादा होती हैं। एक्चुअली हार्वर्ड की स्टडी हुई थी तो उन्होंने ये रिकॉग्नाइज किया कि 15% ऑफ योर सक्सेस डिपेंड्स ऑन योर टेक्निकल केपेबिलिटीज। तो फिर ये 85% क्या होती है? इसको हम कुछ भी कह लें, मैं इसको ह्यूमन या कैरेक्टर केपेबिलिटीज कहता हूँ, राइट? तो वो चीज एक्चुअली मैटर्स मोर इन योर लॉन्ग इन अ लॉन्ग रन इन योर सक्सेस देन द नाउ डोंट थिंक इफ टेक्निकल स्किल्स आर नॉट नीडेड, एक्चुअली दे आर नेसेसरी, राइट? बट दे आर नॉट सफिशिएंट। आपको ना अपने उसमें सॉफ्ट स्किल्स कह लीजिए, ह्यूमन स्किल्स कह लीजिए, कैरेक्टर स्किल्स कह लीजिए, विच इज इंपॉर्टेंट। तो मैंने उसको कैप्चर किया है इन थ्री एस्पेक्ट्स में, मैंने इसके बारे में एक ब्लॉग भी लिखा है तो आप बाद में चेक कर लीजिएगा। देर आर थ्री थिंग्स फॉर यू स्पेशली इन दी एक्सपोनेंशियली चेंजिंग वर्ल्ड दैट वी आर लिविंग इन, कि आपको अपने अंदर बिल्ड करनी है ये स्किल्स टू स्टे रेलिवेंट गोइंग फॉरवर्ड। दीज थ्री थिंग्स आर ग्रोथ माइंड सेट, क्रिएटिव कॉन्फिडेंस एंड स्टोरी टेलिंग। लेट मी टॉक टू यू अबाउट ईच वन ऑफ देम। ग्रोथ माइंड सेट, एज द नेम सजेस्ट, दिस वॉज डन बाय कैरल ड्वेक, साइकोलॉजी प्रोफेसर एट स्टैनफर्ड। शी रोट अ बुक अराउंड माइंड सेट, इट्स कॉल्ड माइंड सेट। इट्स अबाउट हैविंग द बिलीफ के
You can improve at any age in your life in any aspect of your personality. And I call it intellectual humility. You can improve. And she did a lot of experiments with kids, small kids. मैं आपको बड़ा एक छोटी सी बताऊंगा उसमें उनकी बुक से ये एग्जाम्पल. उन्होंने फिफ्थ ग्रेड के बच्चों को बुलाया, दो ग्रुप में डिवाइड किए. एक ग्रुप उनको फिफ्थ ग्रेड के लेवल का मैथ्स का क्विज दिया, दोनों आए वापस. एक ग्रुप वापस आया तो उन्होंने कहा कि ओ आपने तो बड़ा अच्छा किया है, आप बड़े जहीन होंगे, यू हैव डन वेल, यू मस्ट बी वेरी स्मार्ट, राइट. दूसरे ग्रुप के बच्चे जब आए तो उनसे कहा कि ओ आपने बड़ा अच्छा किया है, आपने जरूर बहुत कोशिश की होगी, यू मस्ट हैव डन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क. आप ये सोचें कि सिर्फ ये दो जुमले उन्होंने बोले डिफरेंट, एक में जहानत की तारीफ की, एक में हार्ड वर्क की तारीफ की. फिर उन्होंने देखा कि उन बच्चों को जब मोर डिफिकल्ट क्वेश्चन दिया ना, एट्थ ग्रेड का क्वेश्चन दिया, तो वो बच्चे जिनकी जहानत की तारीफ की थी ना, वो सबसे पहले हिम्मत हार के बैठ गए. वो बच्चे जिनकी मेहनत की तारीफ की थी ना, उन्होंने 20 मिनट ज्यादा मेहनत की, एंड एक्चुअली दे स्कोर्ड हायर इन द एट्थ लेवल एज वेल. तो इससे मतलब एक चीज ये कि जहानत जो होती है ना, वो हम लोग ये सोचते हैं कि यार ये हमारी इननेट एबिलिटी, या तो मैं जहीन हूं या नहीं हूं, ऐसा नहीं है. आप अपनी जहानत बढ़ा सकते हैं. और जिन लोग अपने फोकस करते हैं कि अपनी हार्ड वर्क के अंदर, दैट मीन्स कि आई कैन विद हार्ड वर्क विद लर्निंग आई कैन इम्प्रूव माई सेल्फ. अगर आप माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ है सत्या नडेला, उसकी बुक पढ़े हिट रिफ्रेश, उसने कहा कि माइक्रोसॉफ्ट को आप सोचें, उसने ट्रांसफॉर्म किया कि अभी वो दुनिया की हाईएस्ट वैल्यू, $3 ट्रिलियन वैल्यूएशन है उसकी, हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ. उसने कहा था कि इट वॉज नॉट अबाउट टेक्निकल कि वो सीक्वल सर्वर और एमएस ऑफिस से क्लाउड माइग्रेट, इट वॉज अबाउट कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन. माइक्रोसॉफ्ट का कल्चर था अ लॉट ऑफ नो इट ऑल, लॉट ऑफ स्मार्ट एसेस थे वहां पे, कि जो अपनी अपनी वो किंगडम बनाए हुए थे, उसने उसको ट्रांसफॉर्म किया लर्न इट ऑल, कि वी ऑल आर ऑन अ लर्निंग बेसिस, हम रोजाना कुछ ना कुछ लर्न कर रहे होते हैं. तो आप ये जहन में रखिए कि ग्रोथ माइंडसेट इज ऑल अबाउट लर्निंग माइंडसेट. एवरी डे यू आर लर्निंग, यू आर इंप्रूविंग इन एवरी एस्पेक्ट, इन योर टेक्निकल स्किल्स, इन योर सॉफ्ट स्किल्स, इन योर स्पीकिंग स्किल्स, इन योर प्रेजेंटेशन स्किल्स, इन योर रिलेशन स्किल्स, एनी स्किल, राइट. तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है ग्रोथ माइंडसेट. सेकंड चीज है क्रिएटिव कॉन्फिडेंस. अच्छा, क्रिएटिव कॉन्फिडेंस में आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा. उसमें एक चीज आप याद रखिए कि वी आर ऑल बॉर्न क्रिएटिव्स. एज आइंस्टाइन सेड, इमेजिनेशंस हैव नो लिमिट एंड इमेजिनेशंस आर मच मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज. नॉलेज इज इंपॉर्टेंट, इट्स नॉट दैट इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, बट इमेजिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट. एंड देन जब भी आपके जहन में कोई आइडिया है ना, नेवर हेजिटेट. लेट मी गिव यू सम इनसाइट्स. नाउ वी ऑल नो कि इनोवेशन जो है ना, वो रिलाय करती है क्रिएटिव कॉन्फिडेंस पे. बट टेल मी, आप चैट में लिखिए कि जब आप ये टर्म इनोवेशन सुनते हैं तो आपके जहन में क्या आता है. वट वट डू यू मीन बाय इनोवेशन, आप चैट में लिखिए जल्दी. इन्वेंटिंग समथिंग न्यू, क्यूरियोसिटी, और क्या है भाई. चूंकि मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, न्यू आइडियाज, न्यू सोल्यूशन, बिल्कुल सही है, ठीक है, ब्रिंग चेंज टेक्नोलॉजी. मैं आपको एक बड़ी छोटी सी इक्वेशन देता हूँ इनोवेशन की, जो आपको याद रहेगी और यू कैन अप्लाई इट एवरीवेयर, ठीक है ना. ये चीज़ें बड़ी नेबुलस हो जाती हैं, ठीक है, वेरी नाइस. एवरी एवरी आंसर इज राइट, ठीक है ना, कोई इसमें वो नहीं है. लेट मी गिव यू एन इक्वेशन. दिस इज द इनोवेशन इक्वेशन आई यूज. इनोवेशन इज क्रिएटेड क्रिएटिविटी टाइम्स एग्जीक्यूशन. अगर आप खाली फोकस करें क्रिएटिविटी पे, यू आर एन आर्टिस्ट. अगर आप खाली फोकस करें एग्जीक्यूशन पे, यू आर जस्ट डूइंग द सेम थिंग बट मोर एफिशिएंटली. व्हेन यू ज्वाइन क्रिएटिविटी एंड एग्जीक्यूशन, दैट्स वेयर इनोवेशन हैपेंस. नाउ इसके अंदर दो चीजें. एग्जीक्यूशन जो हम लोग हमेशा से बचपन से सिखाई जाती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, विच इज इंपॉर्टेंट. यू नीड टू बी एबल टू सॉल्व प्रॉब्लम्स सबसे अच्छी तरीका से, लेकिन इट ओनली रिजल्ट्स इन इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट्स. द रियल मैजिक हैपेंस इन फाइंडिंग द राइट प्रॉब्लम्स टू सॉल्व. ये जो होते हैं ना, दैट एक्चुअली रिजल्ट्स इन ब्रेक थ्रू इनोवेशन, दैट्स वेयर द क्रिएटिविटी. तो मैंने जब आपको डिजाइन थिंकिंग का थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दिया, ह्यूमन सेंट्रिसिटी, अंडरस्टैंडिंग द नीड्स, एंड दीज नीड्स इवॉल्व ओवर टाइम इन अ वेरी क्विक सक्सेशन. इफ यू आर अहेड ऑफ दैट इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग द नीड्स ऑन अ फॉर अ कस्टमर्स एंड यूजर्स, यू आर एबल टू फाइंड द प्रॉब्लम्स टू सॉल्व एंड देन अप्लाई द प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स टू एक्चुअली स्केल दम. You get the point? So that's where always remember this equation. Now, when we are talking about creativity,
तो आप लोग जरा उसमें क्या कहते हैं अपना अपना, मेरे ख्याल में यहाँ पे उसका मुझे मालूम नहीं कि वो सबने हाथ जनरेट कर खड़ा कर दिया, राइट? लेट मी सी कि मैं यहाँ पे सबके देख सकूँ। हाँ, कौन कौन है क्रिएटिव? हाथ हाथ खड़ा करें भाई। 4 लोग आए अभी तक, 5। अच्छा भाई, बाकी लोग समझते ही नहीं क्रिएटिव है। अच्छा भाई, ठीक है, चलो भाई, 6-7 लोग आए, 8 लोग आए जो क्रिएटिव है। अच्छा, अब मैं ठीक है, सही है। अच्छा, अब आप ये कीजिए कि अब मुझे बताइए कि रेज योर हैंड्स इफ यू थिंक यू आर मोर क्रिएटिव देन अ 5-year-old चाइल्ड। हाँ, अब खाली 4-5 रह गए, राइट? क्यों, ऐसा क्यों हुआ है आखिर, कि आप बच्चे क्यों ज्यादा आपसे क्रिएटिव है? इसके बारे में मैं आपको एक फनी, एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ, साइंस डाटा बेस्ड। ये चीज जो है ना, आपको ऐसी चीज बताएगी कि जो आपके दिल खुश कर देगी, ठीक है? जॉर्ज लैंड एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट था, इसको नासा ने 60s में कहा कि यार एक क्रिएटिविटी असेसमेंट का टूल बनाए, बिकॉज नासा वांटेड टू सेलेक्ट द मोस्ट क्रिएटिव इंजीनियर्स फॉर सम स्पेशल प्रोजेक्ट। आपने कभी देखा होगा, इंटर आईक्यू टेस्ट कभी लिया हो तो वो था ना, 4 पिक्चर्स हैं और आपको 5वीं प्रेडिक्ट करनी है। ही इज द गाय हु इन्वेंटेड दैट, ठीक है? हाँ, ये भी बात सही कह रहे हैं गोफरान साहब ने कहा, वी डोंट टेक रिस्क, बट वो क्यों होता है, लेकिन आपको मैं एक डाटा के साथ बताता हूँ। तो इन्होंने वो बनाया टेस्ट, फिर उन्होंने कहा कि यार ऐसा करता हूँ, मैं 5 ईयर ओल्ड बच्चों को, 5 साल के बच्चों को देता हूँ ये टेस्ट, देखता हूँ कि वो कहाँ थे, क्योंकि इसमें कोई आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नहीं चाहिए, कोई मैथमेटिक्स की स्किल नहीं चाहिए, ये खाली आपको वो करना होता है। तो आप बताइए कि चैट में लिखिए जल्दी से कि आप समझें कि कितने परसेंट ऑफ दीज चिल्ड्रन वुड हैव कम अंडर क्रिएटिव जीनियस कैटेगरी, जो हाईएस्ट लेवल ऑफ क्रिएटिविटी होती है। कितने परसेंट बच्चे, 5 साल के बच्चों को जब क्रिएटिविटी का टेस्ट दिया तो कितने परसेंट बच्चे आते होंगे? 50, 80, 98? वाओ, 95, 10, 10% बड़े आपके, ज़्यादा तो बहुत पैसे मिस रहेंगे। 50, 95, ओके, 85, 99, वेरी गुड। इट वॉज एक्चुअली 98% बच्चे क्रिएटिव जीनियस कैटेगरी में आए, ठीक है? अच्छा, अब इन साहब ने, बड़े स्मार्ट थे जाहिर है, इन्होंने क्या किया कि सेम बच्चों को 5 साल बाद सेम टेस्ट दिया। गेस करें कि 10 साल के ये सेम बच्चे कितने परसेंट बच्चे क्रिएटिव जीनियस कैटेगरी में होंगे? सेम बच्चे हैं उनको जब वो 10 साल के थे। ये तो बहुत ही यार, तो आप लोग पैसिमिस्टिक हो गए। 20? अच्छा, 50, 80, 70, 75? अच्छा, 50, 70, 60, 70, ओके, लेट मी गिव यू द आंसर, बी रेडी, 30%। नाउ इमेजिन, जो पॉपुलेशन 5 साल के बच्चे जो 98% क्रिएटिव जीनियस थे, वो खाली 30% रह गया क्रिएटिव जीनियस। 5 साल से 10 साल की उम्र में क्या होता है? हमारा प्राइमरी स्कूल होता है। सोच, ये बात सोचने की है, और हम सब गुजरे हैं उसी से, राइट? तो अच्छा, अब तो ये आप सोचें इसके बारे में ना, जहन में जोर डालिएगा बाद में ना, कि ये हम क्या कर सकते हैं कि जो अपनी, एटलीस्ट हम तो गुजर गए, नेक्स्ट जनरेशन को किस तरह बचाएं इस ऑनस्लॉट से। ये साहब रुके नहीं, इन्होंने 5 साल बाद उन्हीं बच्चों को दोबारा दिया यही टेस्ट। जरा गेस करें कि कितने परसेंट बच्चे क्रिएटिव जीनियस कैटेगरी में होंगे? मुझे पता है इस टाइम पे ना लोग बिल्कुल पैसिमिस्टिक हो जाते हैं। 12, 10, 15, 2, 5, मोस्टली पीपल करेक्ट होते हैं, 12%, ठीक है ना, 12। नाउ फिर उन्होंने क्या किया, एक सैंपल ऑफ अमेरिकन एडल्ट पॉपुलेशन को वही टेस्ट दिया। कैन एनीबडी गेस कि कितने परसेंट एडल्ट वुड कम अंडर क्रिएटिव जीनियस कैटेगरी? 1, 2, 5, 6, 2 to 5, एक्चुअली 2%। तो इमेजिन अ पॉपुलेशन विच वॉज बॉर्न क्रिएटिव जीनियस, अवर एजुकेशन सिस्टम, अवर कल्चर, अवर सोसाइटी सक्ड क्रिएटिविटी आउट ऑफ ऑल ऑफ दम। सो एसेंशियली यू आर ऑल बॉर्न क्रिएटिव्स, बट वी एजुकेट अवर सेल्स आउट ऑफ क्रिएटिविटी। सो आज के अगर एक चीज आप लेके जा रहे हैं इस लेक्चर से, तो ये कि यू आर ऑल क्रिएटिव जीनियसेस, यू जस्ट नीड टू रीडिस्कवर योर क्रिएटिव जीनियस। नाउ मैं आपको थोड़े से टिप्स दूंगा कि किस तरह कर सकते हैं आप, जो मैंने देखा है कि लाइफ में वर्क करती है, कि अपनी के तो ये, हाउ कैन यू रीडिस्कवर, आई एम सेइंग द वर्ड रीडिस्कवर क्योंकि आई नो दैट यू आर ऑल क्रिएटिव जीनियसेस, बट यू जस्ट नीड टू रीडिस्कवर योर क्रिएटिव कॉन्फिडेंस। That was the second part. The first part was growth mindset. This is the creative confidence part. So let me give you some tips. ठीक है? एक तो चीज ही होती है कि आपको मैंने डिजाइन थिंकिंग में बताया था ना, एक होती प्रॉब्लम स्पेस, फाइंड द प्रॉब्लम फर्स्ट एंड देन फाइंड द सोल्यूशन फर्स्ट। इन बोथ ऑफ दीज एरियाज व्हाट यू नीड टू डू इज, देयर इज अ टर्म कॉल्ड डाइवर्जेंट थिंकिंग, कि इन द बिगिनिंग आप जो है ना,
उसको एवेल्युएट ना करने लगे प्रॉब्लम्स को या सॉल्यूशंस को, आप जनरेट करें। तो फोकस करें कि कीप जनरेटिंग डिफरेंट वेज ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम, कीप जनरेटिंग व्हाट इज द प्रॉब्लम यू आर ट्राइंग टू सॉल्व। क्रिएट, दिस इज कॉल्ड डाइवर्जेंट थिंकिंग, इट क्रिएट्स मल्टीपल चॉइसेस। व्हाट यू डू इज व्हेन एवर यू आर ट्राइंग टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, यू फर्स्ट ऑफ ऑल यू डिवाइड इन टू प्रॉब्लम स्पेस टू सी वेदर द प्रॉब्लम इज राइट। विद इन दैट यू हैव टू सेशंस सेपरेटेड बाय अ डे मे बी। वन सेशन इज ओनली फोकस ऑन जनरेटिंग चॉइसेस। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट सोल्यूशन स्पेस, जनरेटिंग सोल्यूशन चॉइसेस एट दैट पॉइंट यू आर नॉट इवेल्युएटिंग, यू जस्ट पुटिंग वट एवर कम्स इन टू योर माइंड इन योर टीम्स माइंड ऑन द वॉल, एंड देन यू कम बैक नेक्स्ट डे, एंड देन एट दैट पॉइंट यू स्टार्ट सीइंग ओके दीज आर ऑल द आइडियाज वी जनरेटेड, वी स्टार्टेड नाउ कन्वर्जिंग बेस्ड ऑन फीजिबिलिटी वायबिलिटी एंड ऑल दोस कन। यू विल सी के योर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग अबाउट द प्रॉब्लम एंड योर लेवल क्वालिटी ऑफ सोल्यूशंस will be much higher if you just break divergent thinking and convergent thinking together. जिया साहब जो है वो कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, which is good. ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज। कभी भी आप किसी मीटिंग में जाएं, हमें यार प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, उन्होंने कहा वेट अ मिनट, फर्स्ट डू वी नो वेदर वी आर सॉल्विंग द राइट प्रॉब्लम, अगर हो गई है तो फिर वो है, तो दिस विल रियली सोल्यूशन के अंदर, तो फिर आप उनको दो सेशन में करें ओके राइट नाउ वी आर नॉट गोना इवैल्यूएट एनी सॉल्यूशंस, वी जस्ट गोना जनरेट आइडियाज फॉर डिफरेंट सॉल्यूशंस, एंड आइडियाज कुड रेंज फ्रॉम बीइंग प्रैग्मेटिक एंड रियली वैकी आइडियाज, राइट, बिल्कुल क्रेजी आइडियाज। फिर नेक्स्ट डे आप आए और फिर जब तक आपकी जो टीम है उनके जहन में भी वो चीजें परकुलेट करती रहेंगी, वो फिर अब आएंगी, फिर आप ना कहेंगे कि यार आपकी क्वालिटी ऑफ आइडियाज कितने बढ़ गए। तो ये एक नंबर वन टिप है। ठीक है, अनदर टेक्निक इज ऑलवेज यू आइदर विन यू लर्न और यू लर्न यू नेवर लूज। नाउ व्हाट डज इट मीन, नाउ आपको पता है WD-40 क्या है? ये एक पाकिस्तान में मिलता है मेरे ख्याल में, ये एक लुब्रिकेंट होता है, ये नासा के कुछ इंजीनियर्स ने, दो इंजीनियर्स ने बनाया था बहुत पहले। तो ये एक लुब्रिकेंट ऐसे जो ज्यादा ग्रीसी भी नहीं होता, बट इट हेल्प्स रेलिंग के ऊपर जो है ना चीजें वो इजिली वो कर सकती हैं। यू नो वट 40, वट डज 40 रिप्रेजेंट ओवर हेयर, एनी कैन एनी गेस? 40 जो है ना, दिस वॉज द 40th एक्सपेरिमेंट दे डिड। इमेजिन इफ दे हैड स्टॉप्ड आफ्टर 30 और आफ्टर 35 और आफ्टर 39, वी वुड हैव नेवर गॉटन दिस अमेजिंग प्रोडक्ट, राइट? सो दे फेल्ड 39 टाइम्स एंड ऑन द 40th अटेम्प्ट ऑब्वियसली दे वर केमिस्ट एंड दे न्यू द साइंस, बट दे वर एक्सपेरिमेंटिंग द डिफरेंट कॉम्बिनेशन टू फॉर्म दैट ल्यूब्रिकेंट। तो 40 एक्सपेरिमेंट्स, तो यू आइदर They did not lose 39 times. They just learned what didn't work. Similarly, Thomas Edison का famous quote है, I've never failed. I've only found 10,000 ways that don't work. आई समझ में? तो ये हमेशा याद रखिए। तो कभी भी disappoint मत होइएगा कि यार ये नहीं चला वो नहीं चला। You are always learning. ठीक है? एक और चीज ये कि challenge करें status quo को। आपके सामने multi-billion-dollar companies की example है। Uber एंड एयरबीएनबी। ऊबर में क्या है कि हमेशा से कहते हैं भाई किसी स्ट्रेंजर को नहीं बिठाओ अपनी गाड़ी में, लूट लेगा। उसने उस बेस उसको चैलेंज किया और आज वो पता नहीं $80 बिलियन की कंपनी है। इसी तरह एयरबीएनबी, किसी स्ट्रेंजर को घर पे लाके रेंट ना करो, एंटरटेन ना करो, आप जो है अपने कमरे रेंट कर रहे हैं उसके बेस के ऊपर एक इतनी मैसिव कंपनी बन गई और उसी के ऊपर उसने इंडस्ट्री चेंज कर दी। अब वो क्या कहते हैं जो होटल चेन्स हैं वो भी अपने अपने ही वर्जन ला रहे हैं। सही है? तो वो जो है आप ये समझ लीजिए कि ऑलवेज थिंक ऑफ वेज ऑफ चैलेंजिंग द स्टेटस को। एक और चीज ये है कि बी डम्ब, इट्स ओके टू बी डम्ब, आस्क क्वेश्चंस। आपको मैं कितनी बार बताऊंगा कि ऐसे ऐसे मैं इतने लोगों के साथ काम किया जो मास्टर्स हैं, PhDs हैं फ्रॉम टॉप यूनिवर्सिटीज, फ्रॉम स्टैनफोर्ड, MIT एंड हार्वर्ड एंड इधर उधर बर्कली, हर जगह से हैं। बट आप और वो डिफरेंट लेवल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, बट आप जब आप बेसिक क्वेश्चन कर रहे होते हैं, अलॉट ऑफ टाइम्स दे जस्ट डोंट हैव द व्यू ऑफ दोज थिंग्स, एंड वो अजम्पशंस को चैलेंज करते हैं कि जो ऑपरेट कर रही है ऑर्गेनाइजेशन जो 20 साल से है वो किए जा रही है। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टू बी डम, आस्क क्वेश्चन। अच्छा, तीसरी चीज ये है कि डोंट स्ट्राइव फॉर परफेक्शन, स्ट्राइव फॉर प्रोग्रेस, राइट? सो अलॉट ऑफ टाइम्स हम लोगों की टेंडेंसी होती है कि यार ये चीजें बना रहे हैं इतना परफेक्ट करें कि जब हम लेके जाए मार्केट में या प्रेजेंट करें तो उसमें कोई गुना।
It's actually progress does not happen like that. It happens when you are iteratively show and get feedback and then improve upon. ठीक है ना? Don't strive for perfection. अच्छा, एक और चीज है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है. आप कभी भी किसी भी मीटिंग में होंगे ना, आप नोट कीजिएगा, जब भी कोई आइडिया या कोई चीज डिस्कस होती है ना, सबसे पहले जो रिस्पॉन्स आता है ना, वो होता है नो बट. यार हमने ये ट्राई किया हुआ, पहले नहीं चला था. यार ये उस कंपनी ने ट्राई किया, नहीं चला. यार इसमें इस तरह नहीं हो सकता, नो बट. आप जब भी हो ना, अपनी वोकैबुलरी से नो बट को निकाल दीजिए, उसकी जगह यस एंड एंड करें. तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है. ये आपको अभी नहीं दिया, मैं कोई वर्कशॉप कभी सेटिंग में होता ना, तो फिर वो करते हैं, तो आपको पता चलता है कि कैसे खाली इन छोटे से वर्ड्स को चेंज करने से आपकी जो है आइडियाज एंड कोलेबोरेशन कितनी पॉजिटिव एंड बढ़ बढ़ जाती है. ठीक है, तो ये हमने बात की पहले ग्रोथ माइंडसेट की, अभी बात की कि किस तरह आप अपनी क्रिएटिव कॉन्फिडेंस, आप लोग सब क्रिएटिव जीनियसेस हैं, और आप अपनी क्रिएट किस तरह सम टिप्स ऑन हाउ टू इंक्रीज योर क्रिएटिव कॉन्फिडेंस. एंड देन फाइनल थिंग इज स्टोरी टेलिंग. स्टोरी टेलिंग व्हाई दिस इज सो इंपॉर्टेंट एंड बिकमिंग मोर इंपॉर्टेंट. नंबर वन इज, अभी मैं यहाँ पे भी आपको जो बता रहा हूँ, आई एम टेलिंग सम स्टोरीज, राइट, ताकि आपको सब मेरे जो माइंड में जो चीज है वो आपके जहन में जाए और उससे आप कुछ बेनिफिट कर सके. ठीक है, टू सेल इज ह्यूमन. यू आर आइदर सेलिंग योर आइडियाज, यू आर सेलिंग योर सेल्फ अपने रेज्यूमे के थ्रू, जॉब इंटरव्यूज में यू आर सेलिंग. उस वक्त जब स्टोरी टेलिंग करते हैं ना, एक्चुअली दैट्स व्हाट इट इज. और दूसरा ये है कि लीडरशिप, जब आप लीडर लीडर योर इवन एट द स्कूल लेवल यू आर ए लीडर. लीडरशिप इज एसेंशियली इन्फ्लुएंसिंग अदर्स. एंड हाउ डू यू इन्फ्लुएंस अदर्स? थ्रू स्टोरी टेलिंग. ठीक है, तो अच्छा, अब उसमें एक और चीज मैं आपको बताता हूं कि एक चीज जो इकोनॉमिक्स के अंदर, और आई एम रनिंग लेट ऑन टाइम, सो मैं थोड़ा सा बस 10 मिनट में इसको रैप अप करता हूँ. ये चीज जो बेसिक अजम्पशंस थी इकोनॉमिक्स की, के ह्यूमन बीइंग्स, अगर आपको सारी डाटा हो तो यू विल टेक रैशनल डिसीजंस, यू आर लुकिंग फॉर मैक्सिमाइजिंग यूटिलिटीज, यू आर ओनली सेल्फ इंटरेस्ट ड्रिवन. एक्चुअली ओवर द लास्ट 40 ईयर्स बिहेवियरल साइंस ने ये प्रूव कर दिया है कि, एंड वी ऑल न्यू फ्रॉम आवर कल्चर, दैट एक्चुअली वी आर इमोशनल ह्यूमन बींग्स, वी आर बायस्ड, एंड वी डोंट ऑलवेज मेक इन डिसीजन विच आर इन अवर सेल्फ इंटरेस्ट. अगर ऐसा होता तो हम लोग सिगरेट नहीं पीते, अगर ऐसा होता तो हम निहारी रोजाना नहीं खा रहे होते, अगर ऐसा होता तो हम जिम जा रहे होते, अपने फिजिकली एक्टिव होते, एंड वी आर सोशल, एंड हम दूसरों के लिए सेक्रीफाइस करते, राइट right? और उसके अंदर इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप बिजनेस सेटिंग में भी है ना, यू आर इंटरेक्टिंग विद ह्यूमन ह्यूमंस. वेन यू आर अब अपने प्रोफेसर को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, वो भी ह्यूमन बींग है, राइट, वो इमोशनल है, वो बायस्ड है, वो सोशल है, राइट, तो आप उसको किस तरह कर सकते हैं? तो साइकोलॉजी में ये कौन एक एक वो दी जाती है, क्या कहते हैं, एनालॉजी, अ राइडर ऑन एन एलिफेंट. एलिफेंट इज लाइक योर इमोशनल ब्रेन, राइट. आपको अगर और राइडर जो है ना वो रैशनल ब्रेन है, तो राइडर अपने इमोशंस ब्रेन को कंटिन्यू करता है. और दूसरी बात ये है कि एक चीज मैं आपको बता दूं कि जब हम कोई भी एग्जीक्यूटिव्स और डिसीजंस ले रहे होते हैं ना, दे आर डिसीजंस आर मेड बाय इमोशंस, एंड फैक्ट्स एंड डेटा आर ओनली यूज्ड टू सपोर्ट दोज इमोशनल डिसीजंस. ये चीज याद रखिए, हम लोग समझते हैं कि हम जितने फैक्ट्स एंड डेटा फेंकेंगे आपके ऊपर, उतना चांसेस हो गए कि हम विन कर जाएंगे. एक्चुअली इफ यू टच एट इमोशनल लेवल, फैक्ट्स एंड डेटा डोंट मैटर. And we have seen it. Political leaders use it all the time, right? And that happens. So we are all emotional beings, and storytelling really helps it. Now the final thing I want to say is के चाहे वो ग्रोथ माइंडसेट हो, चाहे क्रिएटिव कॉन्फिडेंस हो, चाहे स्टोरी टेलिंग, डिजाइन थिंकिंग, यू ओनली लर्न बाय डूइंग इट. यू कांट लर्न स्विमिंग बाय जस्ट रीडिंग बुक्स अबाउट इट और वॉचिंग अ वीडियो अबाउट इट. यू हैव टू जंप इन वॉटर. तो जितने भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताए टू स्टे रेलिवेंट, यू नीड टू प्रैक्टिस देम, लर्न, फाइंड द अपॉर्चुनिटीज जहां पे आप स्टोरी टेलिंग अपनी इंप्रूव कर सकें, क्रिएटिव कॉन्फिडेंस इंप्रूव कर सकें, ग्रोथ माइंडसेट, डिजाइन थिंकिंग अप्लाई कर लर्न कर सकें, अप्लाई कर सकें इन एनी सेट सेटिंग. तो आपको करना पड़ेगा, दैट्स हाउ यू लर्न बाय डूइंग. बाकी ये कि मेरी वेबसाइट है, आप लोग जाके, मैं फ्रॉम टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ ब्लॉग्स लिखता रहता हूँ जब मुझे मिलता है, तो फील फ्री टू चेक दैट आउट. और एट दिस पॉइंट मैं स्टॉप करता हूँ प्रेजेंटेशन और ओपन इट अप फॉर एनी क्वेश्चंस दैट एनीबडी हैज.
स्लाइड का क्या करेंगे आप? ये सब प्रेजेंटेशंस मेरी वेबसाइट पे अवेलेबल है, सो यू कैन गो एंड वॉच देम। या सो ये सारी चीजें उसकी अवेलेबल हैं उसके अंदर। अच्छा, तो बस मैं एक फाइनल चीज ये कहता हूँ कि ये टॉपिक इसलिए रेलेवेंट है क्योंकि जाहिर है टेक्निकल स्किल्स तो ये ऑर्गेनाइजेशन एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस ऑलरेडी प्रोवाइड कर रही हैं, बट उसके साथ साथ इन ऑर्डर फॉर यू टू सक्सीड एंड स्टे रेलेवेंट, दीज आर सम ऑफ द की, मेरी एक्सपीरियंस के हिसाब से सम ऑफ द की पॉइंट्स जो है आप अगर जहन में रखें एंड अप्लाई करें, आई थिंक यू विल डू वेल इन लाइफ इंशाल्लाह। सर, अच्छा, मेरे क्वेश्चन एक था सर। सवाल आया है कि व्हाट कैन वी लर्न एंड अप्लाई डिजाइन थिंकिंग एज कोडर स्टूडेंट। वेल, कोडर स्टूडेंट आप कोड क्या कर रहे हैं? यू आर कोडिंग सम एप्लीकेशन। वो एप्लीकेशन क्या कर रही है? इट्स सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। वो प्रॉब्लम किसके लिए है और क्यों मैटर करती है, और वो कैसे उस आदमी के लिए या उन पर्सोना के लिए या उस सेगमेंट के लिए सॉल्व करेगी उनके कॉन्टेक्स्ट में। सो अगेन, डिजाइन थिंकिंग हेल्प्स यू आइडेंटिफाई द राइट प्रॉब्लम टू सॉल्व, और फिर आप टेक्नोलॉजी से उसको सॉल्व करते हैं, वो करते हैं। आपने अगर एक कोड करके एक अच्छी सी ऐप बना ली बट उसका कोई यूजर ही नहीं है, तो फायदा है ऐसी ऐप का? तो डिजाइन थिंकिंग हेल्प्स यू आइडेंटिफाई द राइट प्रॉब्लम, राइट? और अपनी जब आप फाइनल प्रेजेंटेशन भी दे रहे होंगे सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर की वो प्रोजेक्ट की, तो इंस्टेड ऑफ जस्ट टॉकिंग अबाउट द टेक्नोलॉजी एंड द स्टैक, दैट विल बी पार्ट ऑफ योर प्रेजेंटेशन, बट यू विल ऑल्सो स्टार्ट फ्रॉम हु इज द प्रॉब्लम फॉर, वॉट इज द प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एंड हाउ यू देन यू सॉल्व इट, वो आप अपने टेक्निकल वो से बताएंगे। अच्छा, एक और क्वेश्चन है। अच्छा, कोई क्वेश्चन था तो आप पूछ लीजिए, मैं बाकी रीड कर रहा हूँ उसमें चैट में। अच्छा, जया साहब ने पूछा है कि आई एम अ सेकेंड ईयर आईसीई स्टूडेंट, दैट वॉट आई शुड डू फॉर माई फ्यूचर, काइंडली टेल, शुड आई ज्वाइन अ कंपनी विद माई यूनिवर्सिटी करियर, वाई नॉट? आई मीन द थिंग इज यू शुड बी लुकिंग एट एनी स्टूडेंट लुकिंग एट नंबर वन, गेटिंग रियल टाइम रियल लाइफ एक्सपीरियंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप को वेट करने की जरूरत नहीं है कि आप सेकेंड ईयर में हैं कि आप मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। मैं एक पाकिस्तान के एक मेजर कंपनी है सॉफ्टवेयर की, जिसके सीईओ से बात कर रहा था, और उसने कहा कि यार वन ऑफ अ फ्यू ऑफ हिज बेस्ट इंजीनियर्स एंड आर्किटेक्ट्स आर एक्चुअली नॉट यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स, दे आर लिविंग इन रूरल पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान, सम इन पेशावर के नियर बाय कहीं पे, कुछ लाओ कुछ पंजाब के इधर उधर, एंड दे हैव सेल्फ टॉट ऑन ऑनलाइन यूजिंग यूट्यूब एंड अदर्स, एंड दे आर द बेस्ट आर्किटेक्ट्स एंड इंजीनियर्स। सो वॉट यू नीड टू डू इज यू नीड टू बिल्ड रियल लाइफ स्किल्स, लर्न एंड देन अप्लाई दैट। एंड एज आई मैंशन, अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है पार्ट टाइम कहीं जॉब करने की, आप किसी कंपनी के पास आप 100 कंपनियों के दरवाजे खटखटाएं कि सर मेरी ये स्किल्स हैं, आई वॉन्ट टू गेट रियल टाइम एंड कॉन्ट्रीब्यूट, आई टेल यू, आप कहें कि मुझे आप शुरू में तनख्वाह भी मत दीजिएगा, बट आई जस्ट वॉन्ट अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद यू, लर्न फ्रॉम यू एंड 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 एड माई वैल्यूज, दैट्स द बेस्ट वे दैट यू कैन। एंड द अदर पार्ट इज अगर आपके अंदर एंटरप्रेन्योरियल वो है, तो आप अपना आइडिया स्टार्ट करें। जब अपना आइडिया स्टार्ट करेंगे तो थिंक अबाउट इट, हु आर यू सॉल्विंग द प्रॉब्लम फॉर, वहां पे ये जो मैंने कुछ बातें बताई हैं विच विल हेल्प यू। अच्छा, उसके बाद है सम टिप्स रिगार्डिंग लर्निंग इमोशनल इंटेलिजेंस। अच्छा, किसी ने लिंक भेजा है, देर आर सो मेनी थिंग्स ओवर देयर। ये आपको हमेशा बस याद रखिए कि कुछ चीज़ें दूसरों को जज करना छोड़ दें जब आप किसी से बात करें ना, ऑलवेज सोचें कि मैं उस अगले बंदे से, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो आपकी उम्र का हो, चाहे वो आपसे सीनियर हो, मैं इनसे क्या लर्न कर सकता हूँ और इनका क्या कॉन्टेक्स्ट है। अंडरस्टैंड एम्पैथी, दैट्स द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स इमोशनल इंटेलिजेंस। दूसरी बात यह कि अपने इमोशनल रिएक्शंस को आप कंट्रोल रखें, दैट्स सेल्फ रेगुलेशन। तीसरी बात ये होती है कि फिर इन्फ्लुएंस, आप जब किसी की बात सुनते हैं ना, तो वो बंदा ज्यादा प्रोन होता है कि आपकी बात को मान जाए। अगर आप आने के बाद, आपने किसी भी महफिल में गए होंगे, आपको पता होगा एक बंदा है जो बोले जा रहा है बोले जा रहा है, कोई भी उसकी बात सुनना सुनने के लिए वो नहीं होता, लेकिन दूसरा बंदा है कि अगर आप दूसरे को इंपॉर्टेंस देते हैं ना, तो इस तरह ये करने से आती है। और तो आप इसका रीड करें थोड़ी बहुत, आप किस तरह इंप्रूव करते हैं, तो यू कंटिन्यू टू सी कि आपकी क्वालिटी ऑफ रिलेशंस भी इंप्रूव हो रहे होते हैं, लोग आपसे मुतासर भी हो रहे होते हैं और आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं उनको। तो दिस इज समथिंग विच इज अ लाइफ लॉन्ग लर्निंग, इमोशनल इंटेलिजेंस।
अच्छा, उज़्मा साहब ने क्या लिखा है? बिसाइड्स लीट कोड एंड हैकाथॉन, व्हाट शुड बी हेल्पफुल फॉर करियर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट? मैंने आपको अभी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के लिए बता ही दिया, तो आई होप दैट कवर्ड इट. प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस लेना इज वेरी इंपॉर्टेंट, रियल लाइफ पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. 1 year for our university is good for us. Problem identity identification, yes. We must be strong in mind. Okay. How to build the chance of being CIS of more to grow. How to find. Okay. तो यूनिवर्सिटी का तो मैंने आई होप आई कवर्ड इट. अगर कोई और क्वेश्चन है यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए तो प्लीज अपने अनम्यूट करके पूछ लीजिए. अच्छा, वाई यू ऑप्टेड टू बी MBA rather than a traditional computer engineer? ओ या, तो अभी उसके अंदर ना गुड क्वेश्चन. इट वॉज लाइक आई प्रोबेबली 3 years इन टू माई कोडिंग करियर मैंने रियलाइज किया कि यार मैं जो है ना, आई एम नॉट बिल्ट फॉर सिटिंग बिहाइंड अ क्यूब एंड देन कोडिंग. इवन तो आई वॉज प्रेटी गुड एट दैट अलहमदुल्ला, लेकिन मेरी ना ज्यादा चीजें होती. तो मैंने क्या किया कि क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा था. मैंने कहा यार MBA करता हूँ, उससे ना मुझे तरह बिजनेस की सेंस आएगी. तो वहीं सिलिकॉन वैली में एक अच्छा स्कूल है, तो मैंने पार्ट टाइम उसमें स्टार्ट किया. तो उससे क्या हुआ कि जब मेरा कंप्यूटर इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस का बैकग्राउंड था, तो बस मैं उसी को देखता था, टेक्नोलॉजी, राइट. MBA के अंदर मुझे करने से फायदा ये हुआ कि आई स्टार्टेड लुकिंग एट बिजनेस केसेस अक्रॉस डिफरेंट इंडस्ट्रीज, हेल्थ केयर, ऑटोमोटिव, फाइनेंशियल इंडस्ट्री एंड अदर्स. सो देन मैंने कहा कि यार आई कैन यूज माई ब्रेन टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ डिफरेंट बिजनेसेस डिफरेंट. तो मेरे ना थोड़ा विजन ब्रॉड हुआ, और फिर मुझे अपॉर्चुनिटी भी मिल गई प्रोडक्ट मैनेजमेंट में जाने की, तो उससे हुआ. तो दैट वॉज माई ये सब का पर्सनल होता है. यू डोंट नीड टू बी, आई नो अ लॉट ऑफ सक्सेसफुल पीपल हु जस्ट डिड नॉट डू एनी मास्टर्स एट ऑल, बट दे आर हाईली सक्सेसफुल. आई नो अ लॉट ऑफ सक्सेसफुल पीपल हु जस्ट डिड MS इन इंजीनियरिंग, विच इज फाइन. आई नो अ लॉट ऑफ सक्सेसफुल पीपल हु just went into PhD and they became successful in a technical track. So it's really depends on what you want to do, where you find more at peace and in terms of your own self. सर, अगर आप इजाजत दें तो मैं एक फिगर ऐड कर दूं यहाँ पे. बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज. जी स्टूडेंट्स, क्योंकि वेबिनार में कुछ ऐसे स्टूडेंट आते हैं जो हमारे सेशंस में रेगुलर नहीं होते, तो उनको मैं एक बात शेयर करना चाहूँगा कि अगर आपने सक्सेस लेनी है गूगल लेवल की, माइक्रोसॉफ्ट लेवल की, एप्पल लेवल की, करोड़ों की सैलरी लेनी है बगैर कोई एक रुपया खर्च किए, तो मेरे इल्म के मुताबिक आई कोड गुरु के अलावा पाकिस्तान में कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो ये ऑफर करता हो और जिसका सक्सेस रेट इतना ज़्यादा हो. तो अवर स्टूडेंट्स ऑलरेडी वर्किंग इन फैंक, इस दफ़ा हमारे बहुत सारे स्टूडेंट एक रुपया खर्च किए बगैर पाकिस्तान में बैठे हुए उन्होंने फंडिंग ली है. पिछले साल गए हैं, अभी हमारा फोर्थ ईयर है कि हमारे स्टूडेंट अमेरिका आ रहे हैं और वो पाकिस्तान में बैठे हुए फंडिंग सिक्योर करते हैं. एक रुपये की बैंक स्टेटमेंट नहीं दिखाते. तो आप में से जो लोग आई कोड गुरु पे दिन का 1 घंटा दे सकते हैं, तो आई प्रॉमिस कि मैं उनके लिए 200% एफर्ट करूंगा कि वो ये ड्रीम रियलाइज करें. अभी जिस तरह काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं कि क्या करना चाहिए, तो बेसिकली अमेरिका में घुसने का सबसे आसान तरीका है वो है मास्टर का स्कॉलरशिप. और उसके लिए जो अभी आपको चीज चाहिए वो चाहिए आपको, एक चीज का ख्याल रखें हमेशा के साथ, जो मर्जी करें आपका GPA राउंड अबाउट 3.5 रहना चाहिए, क्योंकि GPA बता रहा होता है कि आप अपनी क्लास में एज कम्पेयर टू अदर 50 और 100 स्टूडेंट्स कहाँ लाई करते हैं. अगर आपका GPA कम है तो वो शोज कि भाई ये तो अपने लोकल यूनिवर्सिटी में भी अच्छा स्टूडेंट नहीं था, तो ये इंटरनेशनली कैसे परफॉर्म करेगा. तो दीज आर माई 2 सेंट्स. थैंक यू सर. नो, थैंक यू वेरी मच. बिल्कुल आपने सही बात की और आप जबरदस्त काम कर रहे हैं जफर. ऑसम. और बात ये कि मेरा भी करियर ऐसे ही स्टार्ट हुआ टेक्निकल. आई फॉर द फर्स्ट सेवरल इयर्स आई वाज टेक्निकली कंट्रीब्यूटिंग, राइट. तो अगर पाकिस्तान से, आई नो कि पाकिस्तान की जो हालत है, लॉट ऑफ पीपल आर ट्राइंग टू लीव, तो आपको अपने टेक्निकल स्किल्स तो बनानी है. तो आप इमेजिन करें इफ यू आर एबल टू एड दीज कम्युनिकेशन स्किल्स, ह्यूमन एस्पेक्ट्स टू इट, आई थिंक देन आई थिंक द स्टेज इज सेट फॉर यू. और दूसरी बात ये जो मैंने बताया ना कि कंटिन्यूअस लर्निंग, ग्रोथ माइंड सेट है, क्रिएटिव कॉन्फिडेंस है, एंड स्टोरी टेलिंग, दीज आर लाइफ लॉन्ग स्किल्स. आप आज से 10 साल बाद हो सकता है आप टेक्निकल उसमें ना हो, जस्ट लाइक मैं टेक्निकल उससे थोड़ा सा हट गया, लेकिन ये स्किल्स हमेशा काम आती है मुझे. मुझे इन्हीं स्किल्स ने आगे बढ़ाया. और मैं जितने लोगों से बात करता हूँ, देखता हूँ जो मुझसे भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल लोग हैं, मैं देखता हूँ उनमें ये चीज़ें कूट कूट के भरी हुई हैं, राइट. तो वो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है.
तो यस, अच्छा उसके अलावा क्रिएटिविटी टेक्स टाइम, बिल्कुल बात सही कह रहे हैं आप। यू नीड टू बैलेंस द नीड फॉर इमीडिएट बिजनेस एंड देन फाइन, बट अगर आप क्रिएटिविटी नहीं करेंगे तो वो ऑर्गेनाइजेशन जो क्रिएटिविटी नहीं कर सकें, वो अपना नया एस कर्व नहीं फाइंड कर सकें, अपने आप को री ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकें, वो आउट आउट हो गई, नए ऑर्गेनाइजेशन आ गई, उन्होंने रिप्लेस कर दिया। तो एंड सिमिलरली अगर आप अपने आप को कंटिन्यूसली ग्रो नहीं करेंगे तो यू विल ऑल्सो बी रिप्लेस, इरेलीवेंट हो जाएंगे। तो इट्स दैट सिंपल। अच्छा, हाउ टू अप्रोच क्लाइंट्स ऑफ सम प्रोडक्ट दैट यू आर इमिटेटिंग विद अ डिफरेंट यूएसपी टू गेट आइडियाज अबाउट, अगेन डोंट फोकस ऑन प्रॉब्लम्स, प्रोडक्ट्स फोकस ऑन प्रॉब्लम्स, राइट? व्हाट इज द प्रॉब्लम दैट यू आर सॉल्विंग एंड देन आस्क योर सेल्फ, आर यू, इट्स नॉट अबाउट इमिटेटिंग, आई मीन इमिटेटिंग इज नॉट अ वेरी नेगेटिव कॉनोटेशन, आई मीन यू कैन गेट इंस्पिरेशन, बट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज आर यू सॉल्व, कस्टमर्स आर रेंटिंग और बाइंग प्रोडक्ट्स और यूजिंग प्रोडक्ट्स टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। नाउ इफ यू आर एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम इन अ बेटर, फास्टर, चीपर एंड ईजियर मैनर, देन दे विल क्विकली शिफ्ट टू यू। आर यू एबल टू डू दैट? टू फॉर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड द कस्टमर्स नीड्स, राइट? सो दैट्स माई सजेशन। सो सर, लेट्स इन्वेस्ट टाइम ऑन यूट्यूब रादर देन ऑन यूनिवर्सिटी ऑन अ लाइटर नोट। वेल, स्पेंड टाइम ऑन लर्निंग, डोंट बिकम, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि डू नॉट लेट योर एजुकेशन कम इन द वे ऑफ योर लर्निंग, और डू नॉट लेट योर यूनिवर्सिटी कम इन द वे ऑफ योर लर्निंग। योर यूनिवर्सिटी माइट बी सेइंग वॉट एवर, बट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नॉट टू मेक यू लर्न, इट्स योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लर्न। ऑल राइट, तो आपको जहां से भी लर्निंग मिल रही है आप लीजिए। ओके, मैंने ये एड्रेस कर दिया है। अप स्किलिंग, अप स्किलिंग यार, भाई अप स्किलिंग में ये भी हो सकता है कि आप डिफरेंट कंप्यूटर लैंग्वेजेस लर्न करें, आप वो वाली स्किल्स लर्न करें कि जो मोर इन डिमांड हो। आप अप स्किलिंग का मतलब ये होता है कि आप, जैसे कि अगर डाटा साइंस के अंदर हैं, आप फ्रॉम डाटा इंजीनियरिंग टू मोर एप्लीकेशन ऑफ डाटा साइंस, उसमें आपको एडवांस स्टेटिस्टिक्स भी आनी चाहिए, आपको थोड़ा सा मशीन लर्निंग और अदर एस्पेक्ट्स आ सकती हैं आपको। तो इट रियली डिपेंड्स ऑन ऑन व्हाट यूनिट, बट मोर इम्पोर्टेंटली द अदर पार्ट इज यू नीड टू बी कंटिन्यूअसली लर्निंग, रीलर्निंग। अ लॉट ऑफ टाइम्स यू फॉरगेट थिंग्स, सो यू नीड टू लर्न, एंड देन मोर इम्पोर्टेंटली यू ऑल्सो हैव टू अनलर्न। सो देर आर, वॉट यू विल रियलाइज एज यू ग्रो इन योर करियर, देर आर सर्टेन थिंग्स विच आर अनकॉन्शियसली इन योर माइंड, यू नीड टू बी एबल टू रिकोगनाइज एंड अनलर्न दोज बिहेवियर्स एंड दोज एस्पेक्ट्स। वो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट, एंड इट्स अ कंटिन्यूअस जर्नी भाई, माई फ्रेंड, मैं क्या उसको बता नहीं सकता। अच्छा, एमबीए की स्पेशलाइजेशन, यार देखो मैंने किया था तो फाइनेंस के अंदर मैंने स्पेशलाइजेशन किया था, बिकॉज आई वॉन्ट टू गेट, बट मोर एंटरप्रेन्योरियल साइड पे था मैं। अच्छा, डिड यू मूव टू यूएस थ्रू जॉब अपॉर्चुनिटी? नहीं, मैं मास्टर्स की मुझे एडमिशन मिला I20, मैं पहले सेमेस्टर की फीस लेके आया था और पहले सेमेस्टर का कुछ महीनों का रेंट, उसके बाद फिर मैंने यहीं पर सारा किया। असिस्टेंटशिप मिल गई थी तो मेरे साथ के बाकी एक साल की मेरी फीस उससे निकल गई थी, तो आई सेल्फ सस्टेन्ड। और फिर F1 पे आया था जो स्टूडेंट वीज़ा होता है, उसके बाद फिर जॉब मिल गई, तो जॉब वालों ने, SAP ने मेरा एम्प्लॉयमेंट वीज़ा H1B वीज़ा स्पॉन्सर कर दिया। फिर उसके बाद उन्होंने ग्रीन कार्ड स्पॉन्सर किया, वो हो गया, फिर इट वॉज ग्रीन कार्ड के 5 साल बाद सिटीजनशिप। ये थी मेरी जर्नी। आई कांट थिंक ऑफ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, यू डोंट नीड टू थिंक फॉर रियल प्रॉब्लम्स, यू नीड टू लिव इन रियल वर्ल्ड एंड ऑब्जर्व, एंड द प्रॉब्लम्स विल शो अप टू योर सेल्फ। अगर आप क्वेश्चन करेंगे ना शहजाद साहब कि यार ये चीज़ें ऐसा क्यों हो रहा है, आपको अभी आप सड़क के बाहर निकलें, अगर थोड़ी सी अपनी माइंड को, आप आंखों को गौर से देखें, तो आपको 25 प्रॉब्लम्स, आप 1 किलोमीटर का सफर नहीं तय करेंगे, आपको 25 प्रॉब्लम्स नजर आ जाएंगी। दीज आर ऑल रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम दैट यू कैन सॉल्व, ठीक है? व्हाट इज द स्कोप ऑफ फ्री लांसिंग लाइक? अमेजिंग स्कोप है यार, आपकी स्किल्स हैं, यू सेल योर स्किल्स ऑन दिस प्लेटफॉर्म्स, मेक मनी, बिकम स्ट्रॉन्गर, राइट? एंड मीट विद अदर पीपल हु आर ऑन दोस प्लेटफॉर्म्स हु ऑलरेडी आर सक्सेसफुल, लर्न फ्रॉम देम, लर्न फ्रॉम ईच अदर, राइट? बिल्कुल, डेफिनेटली यार, वट एवर वर्क, जरूरी नहीं है कि मेरी राउट जो था वही आपका भी रहो, दुनिया चेंज हो चुकी है, मैं तो 25 साल पहले आया था, अब आपकी दुनिया डिफरेंट है, सो यू फिगर आउट योर ओन वे। अमेरिका इज नॉट द ओनली डेस्टिनेशन, यू कैन लुक फॉर यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, कैनेडा,
There are many, many, many places. यार मेरी जर्नी तो मैंने आपको बता दी है अलीना, आप फॉलो कर सकती हैं उसी को, या फिर आप अपनी जर्नी खुद पैदा करें, अपनी जर्नी खुद करें, लर्न सबसे करें, बट आप देखें कि आपके कॉन्टेक्स्ट में, आपकी सिचुएशन में आपको क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, एंड जो अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं गो फॉर इट. 1.5 अराउंड यूएसडीज इन पाकिस्तान, इज इट बेटर टू जर्नी? या उबैद साहब, आई डोंट नो मैं इसका आंसर कैसे दे सकता हूँ, मुझे क्या पता. डिपेंड करता है, आप अगर जाके जर्मनी में खाली टैक्सी चला रहे हैं तो आई एम नॉट श्योर कि उसका क्या फायदा होगा लॉन्ग टर्म में. आपको ना थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू रखना है. मैंने आप ये भी कर सकते हैं कि आप, आई नो अ लॉट ऑफ पीपल जिन्होंने पाकिस्तान से, चाहे एनईडी हो, चाहे जीआईके हो, चाहे लम्स हो, चाहे नस्ट हो, और भी कई यूनिवर्सिटीज हैं, उन्होंने वहां से किया, टॉप स्टूडेंट रहे, फिर उन्होंने अप्लाई किया टॉप यूनिवर्सिटीज में, जीआरई दिया, उसमें टॉप स्कोर्स लाए, एंड देन दे केम ऑन फुल स्कॉलरशिप इन फॉर मास्टर्स स्टडीज एंड पीएच दे डिड पीएचडी ऑन फुल स्कॉलरशिप टू. तो वो भी एक है. तो डोंट बी शॉर्ट साइटेड, थोड़ा सा लॉन्ग साइटेड वो रहे. अगर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल इसमें रही ऐड है, कर दूं अगर आप सॉरी, इजाजत दें तो। ठीक है, तो आई थिंक कोई इंटरफेरेंस थी, बट आप देखें कि वॉट एवर यू डू, यू बिकम द बेस्ट एट दैट, राइट? एक्सेल करें, एंड देन अपना विजन को आप ब्रॉड रखें, एंड एंड डोंट लिमिट योर सेल्फ. ठीक है, वेल 9:30 होने को आ रहे हैं यहाँ पे, तो आई रियली अप्रिशिएट कि आप सब लोग इतना एंगेज रहे. मुझे बड़ा मजा आया आप सबसे बात करके. आई एम अवेलेबल, अगर आपको किसी को बाद में रीच आउट करना हो तो प्लीज रीच आउट टू मी, फील फ्री, वट एवर आई कैन प्रोवाइड हेल्प एंड गाइडेंस, आई एम देयर फॉर यू. थैंक यू फॉर बींग एन अमेजिंग सर जी सर, मैं इसमें एक चीज ऐड कर दूं उबैद के क्वेश्चन में। कीजिए प्लीज. जी पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं हु पे आर्म एंड लेग्स जस्ट टू गेट अ डिग्री, और उसके बाद उन्हें समझ नहीं आ रही होती कि डिग्री का फायदा क्या हुआ। तो इफ यू हैव फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, तो राइट नाउ मैं पूरी जिम्मेदारी से आपको बता रहा हूँ पिछले 4 साल के एक्सपीरियंस पे कि देर इज नो डिफरेंस बिटवीन वर्चुअल यूनिवर्सिटी डिग्री एंड लम्स डिग्री व्हेन यू कम टू इंटरनेशनल, अगर आपकी स्किल्स अच्छी हैं। तो मैं जो स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता हूँ ऐसों को, वर्चुअल यूनिवर्सिटी से डिग्री लें, मास्टर का स्कॉलरशिप लें जो तकरीबन मिल जाता है हर एक को अगर आपका GPA 3 से ऊपर है, देन कम टू US फुली फंडेड पाकिस्तान से बैठे हुए और यहाँ पे आके करियर स्टार्ट कर लें। तो ये बात थोड़ी सी अजीब लगेगी लेकिन अभी हमारा जो पहला स्टूडेंट पाकिस्तान से फैंग में गया है वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट है और उसका आई थिंक GPA 3.2 था। तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी हमारे पिछले साल 400 इंटरनेशनल अवार्ड्स आए हैं, इनमें वर्चुअल यूनिवर्सिटी के तकरीबन 100 अवार्ड्स हैं। Tier 1 यूनिवर्सिटीज़ में से NED के 4-5 अवार्ड हैं, बाकी किसी Tier 1 यूनिवर्सिटी का कोई अवार्ड नहीं। तो होगा क्या कि जब ये स्टूडेंट अप्लाई करते हैं इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स के लिए तो हमारे स्टूडेंट जिनके अवार्ड हैं CV पे वो बेहतर लगेंगे एज कम्पेयर टू अ Tier 1 यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट। थैंक यू जफर साहब. आपने, जफर साहब जाहिर है ही इज़ द एक्सपर्ट इन व्हाट इज़ हैपनिंग दीज डेज. मैं तो ज़रा सा ओल्ड हो गया हूँ, तो ये है कि इनसे आप गाइडेंस लीजिए प्लीज़. और अपना वो क्या होता है कि अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदों में है, ठीक है, तो आप लोग सब बिलीव करें अपनी एबिलिटीज़ के ऊपर. अल्लाह ने आप सब लोगों को बेहतरीन एबिलिटीज़ दी हैं. मेरी दुआएं आप लोगों के साथ हैं, ठीक है. बहुत शुक्रिया चले फॉर सर, थैंक यू वेरी ऑल. मच, ये बहुत रिमार्क सेशन है, था सॉरी जी। हेलो जी, थैंक यू सर मशहूद, मेरा नाम डॉक्टर रिजवान है, मैं इधर बे एरिया में ही होता हूँ, सर. मैं भी अच्छा, आई कोड गुरु टीम का हिस्सा हूँ डॉक्टर जफर के साथ। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, और बहुत अच्छा वेबिनार था, स्टूडेंट्स ने तो सीखा ही सीखा। अब हम सीजन प्रोफेशनल्स हैं, 20-20 साल हो गए हमें इंडस्ट्री में, लेकिन मैंने भी बहुत सीखा आपके इस वेबिनार से। कुछ ऐसी चीज़ें जो मुझे बैक ऑफ माइंड में थी लेकिन आप के सामने नहीं आती, आपको नहीं लगता कि उनको कितनी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। तो मुझे आपके वेबिनार से वो भी सीखने का मौका मिला, तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड गाइडिंग द स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी वाज मच. अ ग्रेट वेबिनार।
डॉक्टर रिजवान साहब, और लेट्स स्टे, आप मुझे रीच आउट करें बाद में, लेट्स लेट्स मीट फॉर कॉफी और लंच और समथिंग। ठीक है जी जनाब, जी जी सर, बिल्कुल 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 सर, डू दैट। और स्टूडेंट से भी ये रिक्वेस्ट है, आप सर मशहूद को ऐड करें, जो जो स्टूडेंट्स यूएस आना चाहते हैं, जिन यहाँ पढ़ें, यहाँ स्टेब्लिश हों, यहाँ जॉब करें, तो सर मशहूद को ऐड करें अपने लिंक्डइन प्रोफाइल में, इनसे गाइडेंस लें, आई कोड गुरु से गाइडेंस लें, और इनशाला आप लोग जिस तरह हमारे बाकी स्टूडेंट्स इधर आ रहे हैं, जिस तरह सर मशहूद ने अपनी स्टोरी बताई, मैं नस से ग्रेजुएट हूँ 2004 में, राइट, और मैं मतलब टॉप किया था, मेरा जीपीए 4 था, मुझे ये नहीं पता था कि मैं यूएस आ सकता हूँ फंडिंग पे। वही रूट है जो सर मशहूद ने लिया, कि आप आए पहले 1 साल की आपके पास फीस हो, आप पहले इस्टेब्लिश हो, फिर टीएमशिप मिले, आरएशिप मिले। इट इज अ जनरल रूट जो कि पाकिस्तानी, चाइनीज, इंडियन स्टूडेंट्स लेते हैं। लेकिन अभी जो हमने यहाँ पर देखा है कि जो स्टूडेंट्स, हम जब स्टूडेंट्स को गाइड कर रहे हैं कि आप डायरेक्ट प्रोफेसर से अप्रोच करें, उनका रिज्यूमे, उनका प्रोफाइल इंप्रूव करें, तो हमारे स्टूडेंट्स को फंडिंग मिलती है। हमारा एक भी स्टूडेंट अभी तक यहाँ नहीं आया जिसको, जिसके पास फंडिंग ना हो, जिसको पैसे लगा के आना पड़े। तो बिल्कुल जबरदस्त, आप लोग, आप लोग जो हैं हमसे गाइडेंस लें, आई कोड गुरु को के सेशंस में आए, ज्वाइन करें, और इनशाला अभी हमारे काफ़ी, अभी फॉल 2024 के तो एडमिशन क्लोज हो रहे हैं, और हमारे इनशाला काफ़ी स्टूडेंट्स इस साल आएंगे, तो आप लोग फॉल 2025 के एडमिशन के लिए ट्राई करें। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक्स फॉर योर टाइम ऑल द बेस्ट इन दिस एवरीवन, ग्रेट थैंक यू लेक्चर। फॉर द इनविटेशन, रियली ऑनर्ड टू मीट ऑल ऑफ यू, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर, अगर किसी को कोई और क्वेश्चन है तो हम क्वेश्चन ले सकते हैं, अभी मैं और साथ ही जवान इधर हैं ऑनलाइन। सर थैंक यू सो मच। सर ये पूछना था कि आइल्स का और ये मशीन लर्निंग और पाइथन डाटा साइंस के एक्चुअली ये कोर्सेज स्टार्ट से लेने थे, तो ये सेशन कब स्टार्ट होना है और इसका थोड़ा सा गाइड कर दें। जब आपने चलना सीखा था तो आपने चलने का सेशन स्टार्ट से लिया था? नहीं सॉरी, वो मैंने देखा है आपके यूट्यूब पे वीडियोस हैं, फेसबुक पे भी हाँ बहुत सी सारी हैं, तो वो मेरी बात कब, तो सुने ना, मेरी बात तो सुने, सॉरी। स्टार्ट से लिया था आपने? नहीं लिया था ना, ठीक तो इसलिए जब आपने बोलना सीखा था तो वो भी स्टार्ट से नहीं था लिया। ठीक तो इसी तरह आप सेशंस का वेट ना करें, जो सेशंस हो रहे हैं उनमें ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाएं, ठीक है, तब 1 महीने बाद रेस्ट हो जाएंगे। गॉट इट सर, गॉट इट, थैंक यू। हेलो, आई हैव अ क्वेश्चन। तो एम आई यस, ऑडिबल? मैम, यस, यू आर आई कोड ऑडिबल। गुरु पे, हाँ 1 मिनट, आई कोड गुरु पे हम जितनी चीजें पढ़ाते हैं ये सब मैंडेटरी हैं इंटरनेशनल लेवल का इंजीनियर बनने के लिए, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, और ये जिस मर्जी ऑर्डर में करें आप, लेकिन ये अपने करनी ही करनी है। अगर कोई भी चीज मैंडेटरी ना हो तो हम उस पर कभी भी 1 मिनट वेस्ट नहीं करेंगे, राइट, हमारा अपना भी टाइम काफी कीमती होता है। तो इसलिए जो लोग सीरियस हैं वो आई कोड गुरु वेट क्लासेस ज्वाइन करने के लिए 1 दिन भी वेट नहीं करते, एंड दे आर द सक्सेसफुल पीपल। जो शुरू करते हैं ना कि जी हमें एक सीक्वेंस में चीजें पढ़ाई जाएं, तो नॉर्मली जब तक सेशन स्टार्ट होता है रेलिवेंट वो भूल चुके होते हैं और कुछ और कर रहे होते हैं लाइफ में। तो ये मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बड़ी क्लियर बता रहा हूँ कि वेटिंग फॉर द न्यू सेशन इज द रेसिपी फॉर फेलियर। यू शुड हैव अ करेज टू ज्वाइन द सेशन, स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग, और दूसरा जो चीज है कि वेटिंग फॉर अ न्यू सेशन इज अगेंस्ट द लॉज ऑफ नेचर, इट इज अगेंस्ट ह्यूमन नेचर। ये यूनिवर्सिटीज तो भी आई है ना जिन्होंने आते स्टूडेंट्स की खराब कर दी है कि पहले प्रीरिक्विजिट देंगे फिर और पढ़ेंगे। यूनिवर्सिटी से भी पहले इंसान कैसे सर्वाइव करता था, कि वो देहात में शाम को इकट्ठे बैठते थे और इकट्ठे डिस्कस करते थे। तो जो इकट्ठे बैठते थे उसमें ऑब्वियसली सारी पॉलिटिक्स भी डिस्कस होती थी, अगर कोई शेर चीता जानवरों पे हमला कर रहा है वो भी डिस्कस होता था, उसका डिफेंस भी डिस्कस होता था। तो वो जो डिस्कस होता था, तो उस जो वो जो
गैदरिंग होती थी उसमें 80 साल का बूढ़ा भी बैठा होता था और 10 साल का बच्चा भी बैठा होता था। एंड दैट इज द नेचुरल एकेडमी फॉर ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन आउट ऑफ ऑर्डर चीजें पिक कर सकता है और बाद में डॉट्स कनेक्ट कर सकता है। तो जो लोग यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स कैरियर में क्यों फेल होते हैं, क्योंकि वो स्टेप बाय स्टेप पढ़े होते हैं, उन्हें आउट ऑफ ऑर्डर पढ़ने की आदत ही नहीं होती। डज इट मेक सेंस? यस सर। तो अगर इसी पे कोई कमेंट आया, कोई साथी डिसएग्री कर रहा है तो बोलें, तो आई वुड लाइक टू हियर देयर पॉइंट ऑफ व्यू। तो लेकिन अभी जो है, मेरा ख्याल है पाकिस्तान में से जितने लोग भी फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे अमेरिका आ रहे हैं, वो सारे के सारे हमारे स्टूडेंट हैं। शायद कोई एक आधा और होगा, लेकिन ज़्यादा सिस्टमेटिक अप्रोच में तैयारी करके आ रहे हैं, जिन्हें जाने से 2 साल पहले पता होता कि आई एम गोइंग टू यूएसए, वो हमारे स्टूडेंट होते हैं बगैर कोई पैसा हुआ है, अपने घर में बैठे। तो इसके लिए सिर्फ इंटरनेट चाहिए और आपका टाइम चाहिए। अगर आपके पास लैपटॉप है, इंटरनेट है, आपके पास टाइम है, तो आपको कोई और चीज़ नहीं चाहिए। हम ये बिल्कुल एक्सपेक्ट करते कि आपका जीपीए इतना होना चाहिए, हम ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करते आपको इंग्लिश आनी चाहिए, हम ये बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते, एक्सपेक्ट नहीं करते आप किसी चीज़ आ देते हैं। तो जी, किसी और क्वेश्चन? ऑस्ट्रेलिया का स्कॉलरशिप जो है, हमारे अभी इस साल एक स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, उसकी रीज़न ये है कि उनकी फैमिली पहले में है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में कैरियर इतना स्ट्रॉन्ग बनेंगे वो मसले होते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया भी जाते हैं लोग। तो हमारे स्टूडेंट जो हमारा स्टूडेंट का अगर हम देखें, यूएस जाना सा कंपेटिटिव है, अगर कोई स्टूडेंट यूएस जा सकता है सर, योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल। जी, आप बोलें दोबारा, मेरा कनेक्शन को प्रॉब्लम हो गया था। अगर आप में से किसी को कोई क्वेश्चन है तो फील फ्री टू आस्क। हाँ, हमारे साथ डॉक्टर जफर शायद मौजूद हैं, सो टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी। अच्छा, एक और चीज साथी पूछ रहे थे, इंटर्नशिप का, फ्रीलांसिंग का। तो अगर आपका गोल दुनिया की टॉप ही कंपनी है, करोड़ों रुपए की सैलरी लेनी है, तो फिर आपको उनकी प्रेपरेशन करनी चाहिए और इन चीज़ों को से अवॉइड करना चाहिए। आप किसी फ्रीलांसर को, जो नॉर्मल मेडियोकर फ्रीलांसर है, आप उसे कभी जिंदगी में डिफेंस में घर नहीं बनाता, वो देखेंगे, क्योंकि इनकम बहुत कम होती है फॉर द सेम टाइप ऑफ हार्डवर्क। तो क्यों ना कि पहले अपना प्रोफाइल बेहतर किया जाए, दुनिया की टॉप की यूनिवर्सिटीज में आके, दुनिया की टॉप की कंपनीज में काम करके, दुनिया के टॉप के इंजीनियर्स के साथ काम करके, और फिर ऑब्वियसली आपकी क्रिएटिविटी भी आएगी, और फिर अगर आपने एंटरप्रेन्योर बनना तो लाजमी बने। जी, ये रेहान अफजर का क्वेश्चन है कि मैंने पीएचडी करनी है। तो रेहान, अगर
पहली तो बात ये है कि इंटरनेशनल लेवल की अगर हम बात करें तो नॉर्मली पाकिस्तान में प्रोग्रामिंग वीक होती है स्टूडेंट्स की। इसके अलावा आप ये देखें कि जब अमेरिकन प्रोफेसर है उसके पास अमेरिका के सीवी भी आएंगे, यूरोप के भी आएंगे, इंडिया के भी आएंगे, टॉप की यूनिवर्सिटीज के, तो एक पाकिस्तानी को यानी कि आपको क्यों प्रेफर करेगा? तो हम स्टूडेंट्स को इस काबिल करते हैं कि हमारा स्टूडेंट टीवी पे भी एज कम्पेयर टू ऑल दिस स्टूडेंट्स शाइन करता है, और जब इंटरव्यू होता है तो उसमें भी शाइन करता है। तो आप ये देख लें कि आपको अपना प्रोफाइल बेहतर करना पड़ेगा इस काम के लिए। वो हम आई कोड गुरु पे करवाते हैं। सॉरी सर, मैं रियान अफजली बात कर रहा हूँ। आप थैंक यू सो मच जो आपने अभी आंसर किया। मैं सिर्फ ये लास्ट पूछना था कि फॉल 24 तक मैं मतलब ट्रैक कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा टारगेट था फॉल 24 में बट नहीं, यूएसए। फॉल बेसिकली फॉल 2024 के एडमिशन क्लोज हो रहे हैं और आपका सीवी खाली है। आप अगर सीरियस होकर दिन में 12 घंटे तैयारी करें तो आप फॉल 2025 के लिए आपका चांस बनेगा। ठीक है, तो अगर आप दिन में 12 घंटे देंगे, अगर आप फिर 6 महीने बाद आ जाएंगे कि सर प्रोफेसर का ईमेल देने, मैंने ईमेल भेजनी है, तो उस ईमेल का कोई फायदा नहीं होता। ठीक है सर। मैं ठीक है, इंशाल्लाह आपके सेशंस मैंने सुने हैं, मैं इंशाल्लाह ज्वाइन करूंगा। तो इसके हाँ। तो अगर अब अगर आपने करोड़ों की सैलरी लेनी है तो फिर उसके लिए भाई 6 महीने लगा दे। सही डन होंगे सर, इंशाल्लाह जरूर है, बजाय से कि आप ऑनलाइन। सीवी लेके मारे मारे फिरते रहेंगे और बाद में कहीं स्कूल टीचर बन रहे होंगे। नहीं चॉइस नहीं इज योर्स। जी, समझ आ गई सर, थैंक यू सर। हाँ किसी और को क्वेश्चन है तो जुबैर दफर चैट में से रीड कर दें क्वेश्चन, तो मैं रिस्पॉन्ड कर देता हूँ। जी सर, सर एक क्वेश्चन है कि सर आई हैव जस्ट कंप्लीटेड द फर्स्ट सेमेस्टर, आई एम गोइंग टू स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग इन हैकाथॉन्स, शुड आई आस्क फॉर एलओआर फ्रॉम टीम मेंबर्स और नॉट, लाइक देर आर थ्री स्टिल 3 इयर्स लेफ्ट फॉर मी टू अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप्स। 3 साल नहीं रह गए आपके, 2 साल रह गए। स्कॉलरशिप के लिए एट एंड ऑफ 6th सेमेस्टर अप्लाई करना होता है, क्योंकि स्कॉलरशिप के लिए 1 साल पहले अप्लाई होता है हमेशा। तो जिस तरह भी मैंने रिहान को बताया कि फॉल 2025 के लिए अप्लाई करेंगे और वो अप्लाई करेंगे शुरू जुलाई में, तो आपको 2 साल रह गए। तो आप मेरे अगर कैरियर काउंसलिंग की टॉक सुन लें तो उसमें पूरे का पूरा रोड मैप दिया गया है कि यूनिवर्सिटीज के पहले 3 साल में क्या करना चाहिए। इन शॉर्ट मैं बता देता हूँ कि पहले इन 2 सालों में एक तो आप हैकाथॉन में जाएं और हर हैकाथॉन की लिंक्डइन पे रिकमेंडेशन लाजमी लें, खुद भी दें और लोगों से भी लें। दूसरा, आपकी लिंक्डइन की पोस्टें रेगुलर आनी चाहिए ताकि जब प्रोफेसर 2 साल बाद आपका सीवी लिंक्डइन देखे तो उसे लगे कि आप पढ़े लिखे आदमी हैं, आप में कंसिस्टेंट एनर्जी है। ऐसा नहीं है कि आप कढ़ाई में जिस तरह उबाल आता है 1 मिनट के लिए उस तरह आएंगे जोश स्टार्ट के 2 महीने के लिए, तो कंसिस्टेंसी दिखानी होती है। और साथ आप अपना लीड कोड इतना करेंगे आप गूगल का इंटरव्यू क्लियर कर सकें। दिस इज द ओनली टाइम यू हैव टू प्रिपेयर फॉर गूगल इंटरव्यू। 3rd ईयर के बाद आप अगर आपने तैयारी करनी होगी तो आपका कैरियर उतना डिले हो जाएगा, उसके बाद टाइम नहीं होता और बहुत सारे काम आ जाते हैं। तो मैंने जो फुल डिटेल्स हैं वो अपने कैरियर काउंसलिंग के टॉक्स में दिए। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं सर एक बात ऐड करूंगा, ये देखिए इस स्टेज पे अगर मैं हूँ, मुझे कोई बताए ना आपने फॉल 2025 में आया है कि एडमिशन के लिए अप्लाई करना है, तो मेरे भी जहन में आएगा यार ये तो बहुत दूर है अभी, तो मैं तो इसी साल बाहर जाना चाह रहा था, तो मुझे एक साल और लग रहा है। ठीक है, लेकिन जिंदगी में ना ये 1 साल मैटर नहीं करेगा। आप ये देखें आपकी जिंदगी में फॉल 2028 भी आ जाए और आप इसी तरह ही कोई काम कर रहे होंगे, या तो ये टाइम देखने में लगता है ज्यादा है, लेकिन जब आप इस प्रोसेस में आते हैं ना कि आपने अपना रिज्यूमे इम्प्रूव करना है, आपने अपना प्रोफाइल इम्प्रूव करना है, आपने चीजें सीखनी है, तो ये टाइम बहुत मुनासिब टाइम है और जिंदगी में 1 साल जाया नहीं होता। ये ना समझें कि आपका 1 साल जाया हो जाएगा, आपकी जिंदगी 70-80 ईयर्स की है, इसमें 1 साल की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है, मैंने हमारे साथ था, हमने भी ऐसा किया,
लोग यूरोप चले गए इसीलिए कि वो साल ना जाया हो, कि यूएस में तो टाइम ज्यादा लगेगा। यूरोप गए, वहां मास्टर्स किया, उसके बाद फिर यूएस आने की कोशिश की, वहां पीएचडी की, वहां जॉब शुरू की, फिर यूएस आने की कोशिश की। अभी भी मैंने और डॉक्टर जफर ने, हमने फ्रांस से पढ़ा हुआ है, हमारे साथ जितने वहां पे लोग हैं जिन्होंने पढ़ा है, वो उन सब की ख्वाहिश है कि वो यूएस आए। फ्रेंच लोगों की ख्वाहिश है कि वो यूएस आए, क्यों? क्योंकि इनकी इकोनॉमी बेहतर है। यहाँ पर पे स्ट्रक्चर यूरोप से 2 टाइम्स 3 टाइम्स है, तो आप ये ना समझें कि 1 साल ज्यादा है, ये टाइम आपका जाया हो जाएगा, ऐसा नहीं है। फॉल 2025 इस स्टेज पे आपका राइट टारगेट है, और बेसिकली बस आप इतना ही इन मैंने छह कहना महीनों था। में, हाँ इन 6 महीनों में आप सुपर ह्यूमन बन जाएंगे। आपका आपने जो कैरियर में अगले 20 साल में सीखना है वो आप अगले 6 महीनों में सीख लोगे अगर आप इस ट्रैक पे आते हो। पर ये हम पिछले 4 साल से कर रहे हैं काम, तो दिस इज द बेस्ट अप्रोच। जो हमारे सीनियर हैं जो अमेरिका आ चुके हैं स्टूडेंट, उनसे भी पूछे तो वो कहते हैं कि दिस इज बेस्ट डिसीजन ऑफ देयर लाइफ। सर ये इनका ही कमेंट है, रेहान का, सर रेहान का, कि सर श्योर माय 3 फेलोज गो फॉर चाइना एंड 2 फॉर साउथ कोरिया, बट आई फोकस ऑन इम्प्रूविंग माय स्किल्स टू मूव फॉर यूएसए। सर थैंक यू सो मच। वेलकम। जी तो क्या कहते हैं, तो जुबैर नेक्स्ट हैकाथॉन कब हो रही है? अभी मेरा ख्याल है वर्डप्रेस की हैकाथॉन आ रही है नेक्स्ट, उसकी डेट डिसाइड हो गई? यस जी सर, सर, अब यस अभी सर, हमने जी डिसाइड करना है कि नेक्स्ट हम किस में जाएंगे, तो वो अभी हम डिसाइड करके अनाउंस सर। करेंगे। हाँ तो जुबैर सर एडवांस से ऑफलाइन चेक कर लें तो फिर श्योर अनाउंस, सर, ठीक है? जी सर, जी किसी और साथी को कमेंट या फीडबैक, कोई ऐसी चीज जिसमें हम हेल्प कर सकें? अस्सलाम वालेकुम सर। मेरा क्वेश्चन था कि जब हम हैकाथन में पार्टिसिपेट करते हैं और बाद में लिंक्डइन पे पोस्ट करते हैं, तो सर ये बताइएगा हम LOR कैसे लें लिंक्डइन पे, ये थोड़ा बताइएगा। उसके लिए सर फैसल का वेबिनार है 2 घंटे का, हाउ टू यूज लिंक्डइन, तो वो सुन लें। और वो आप में से हर साथी जिसने नहीं सुना हुआ, इट इज स्ट्रांगली रिकमेंडेड कि वो सुने ताकि आप लोगों को लिंक्डइन यूज करना प्रॉपरली आती हो, ठीक है? क्योंकि यस रिकमेंडेशन तो मैं एक और बता दूंगा अभी, लेकिन 20 चीजें और भी हैं जो आपको पता होनी चाहिए। सर, सही है, तो वो लाजमी सुन लें। तो जी किसी और को क्वेश्चन, तो आप अगर मेरे लिंक्डइन पेज पे भी जाएं तो नीचे अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो वहां रिकमेंडेशंस होंगी जो के लोगों ने मुझे दी हुई हैं, तो उसी तरह आप भी रिकमेंडेशन दे भी सकते हैं, ले भी सकते हैं। तो हर हैकाथॉन में ये करें, बाद में आपके पास ऑप्शन होती है आपने किस रिकमेंडेशन को हाइड करना है और किसको विजिबल रखना है। तो इट इज यू ऑलवेज हैव दैट थिंग दैट सर वी एक टॉक। और क्वेश्चन है, सर के प्रोफेशनल किस तरह आई, जी, आप पूछ लें। सर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस रिव्यू करवाना चाह रहा हूँ मैं, वो कर जी उसके लिए सर हमारा 5 PM का चैनल है, तो आप किस अभी इस ईयर में हैं, सर मैं ग्रेजुएट आपका हो गया हूँ, नाम क्या है आपका? मोहसिन मोहसिन रशीद। रशीद। अच्छा, हाँ तो आप 5 PM के चैनल पे सैटरडे वाले में आए, बल्कि उसमें गूगल ड्राइव में SOP डालें, वहाँ डाल दें, तो जुबैर जफर सर या दूसरे लोग जो एक्सपर्ट हो गए हैं इस चीज़ में तो वो आपकी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस रिव्यू कर लेंगे। तो इन लोगों का एक्सपीरियंस मेरे से बहुत ज़्यादा है, मेरे से यहाँ सर रिजवान से SOP रिव्यू करने में, तो आप लाइव सेशन में भी आ सकते हैं 5 PM पे, तो वहाँ लाइव भी रिव्यू हो सकती है। ओके सर, थैंक सही है, तो अमेजिंग कि हमारे स्टूडेंट्स SOP की बात कर रहे हैं, LOR की बात कर रहे हैं, अवेयरनेस आ रही है। यू कोई और जी चीज सर। जिसमें सर हम, ये एक क्वेश्चन है,
एक क्वेश्चन है कि बोला। सर प्रोफेशनल्स किस तरह आई कोड गुरु से फायदा उठा सकते हैं प्रैक्टिकली विनिंग इंटरनेशनल जॉब्स। बिल्कुल, आप आई कोड गुरु पे आए और दुनिया के टॉप के प्रोफेशनल बोले। देखें, आसमान पे जब सितारे होते हैं ना, तो ये आर्ग्यू हो सकता है कि इनमें से ज्यादा ब्राइट कौन सा है, लेकिन अगर चांद आ जाए ना, तो देन देयर इज नो सच डिस्कशन। और अगर सूरज आ जाए ना, तो सितारे नजर ही नहीं आते। तो मेरे भाई, हम आपको सूरज बनाते हैं कि जब आपका प्रोफाइल होगा तो आपको रिक्रूटर भी सीरियस लेगा, प्रोफेसर भी सीरियस लेगा, एंड दे विल फील प्रिविलेज कि आप उनकी ईमेल का या उनके लिंक्डइन मैसेज का जवाब देंगे। तो हम आपको बेसिकली गूगल लेवल का टॉप प्रोफेशनल बनाने में हेल्प कर सकते हैं। तो अगर आपने क्या कहते हैं लाइफ में अच्छे स्टेटस पे जाना है, तो ऑब्वियसली मेरे ख्याल में आई कोड गुरु से बेहतर प्लेटफॉर्म भी नहीं है इस वक्त मेरे इल्म के मुताबिक। तो हमारे जो स्टूडेंट अमेरिका हैं, अमेरिका आके भी उनकी फीडबैक यही है कि यहाँ पे जो अमेरिकन स्टूडेंट हैं, यूरोपियन हैं या इंडियन हैं, उनको भी अवेयरनेस बिल्कुल नहीं है जो आईकोड गुरु के स्टूडेंट्स को है, या जो एक्सपर्टीज आईकोड गुरु के स्टूडेंट्स के पास है, या जिन अपॉर्चुनिटीज को आईकोड गुरु के स्टूडेंट्स को पता है। ठीक है, तो प्रोफेशनल्स ने अगर अच्छा प्रोफेशनल बनना है, तो देन यस आईकोड गुरु इज फॉर। जी नेक्स्ट। तो कोई पॉजिटिव फीडबैक देना चाहेगा, कोई ऐसा स्टूडेंट जिसने रिसेंटली 2-4 महीने पहले ज्वाइन किया हो और उसे कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट नजर आ रहा हो अपनी लाइफ में, अपने प्रोफाइल में, तो ये शेयर करना इसलिए इम्पोर्टेंट होता है कि जो साथी अभी नए हैं, सोच रहे हैं ज्वाइन करने का, उन्हें पता चल जाए अच्छा क्या फायदा होता है। एनीवन? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये मैंने आई कोड गुरु अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है, तो मैंने ना अभी कुछ दिन पहले आपके कैरियर काउंसलिंग सेशंस देखे थे, तो उसके बाद से ना मेरी कंसिस्टेंसी काफ़ी इंक्रीज हो गई है। इससे पहले ये था कि मुझे ना इसमें काफ़ी डिफिकल्टी होती थी कि डिसिप्लिन नहीं था, लेकिन आई कोड गुरु ज्वाइन करने के बाद ये है कि जब रेगुलर सेशंस आते हैं, स्लैक पे रेगुलर देखती हूँ लोगों को काम करते हुए, तो फिर मेरा भी दिल करता है कि कंसिस्टेंट रहने का। तो अब मैंने लीड कोड प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट किए हुए, तो आज डे 7 हो गया कंसिस्टेंट ट्रैक के। मैं ऑलमोस्ट 3 लीड कोड प्रॉब्लम्स डेली बेसिस पे सॉल्व कर रही हूँ थैंक्स टू आई कोड गुरु टीम। अगर आप 3 क्वेश्चन रोजाना कर रही हैं, तो यू बिलोंग टू टॉप 0.1% ऑफ सिलिकॉन वैली इंजीनियर्स। ये काफी ग्रेट परफॉर्मेंस है। मैं ग्रेजुएशन नहीं कर रहा, सही था। ये लीड कोड यहाँ पे भी लोगों से नहीं हो रहा होता जी। किसी और की फीडबैक? डॉक्टर साहब, सबसे ज़्यादा मज़ा तो उसमें आता है जब वो हैकाथॉन में जाके हम लोग काम करते हैं ना डिफरेंट लोगों के साथ, जो एक हमारा अच्छा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है वो जो ख़त्म होता है, तो मुझे तो सबसे ज़्यादा मज़ा उसमें आता है कि यार हम अच्छे भले प्रोफेशनल से एमए में डर के बैठे होते हैं अंदर छुप के, तो पता नहीं क्या हो जाएगा, तो सही बात वो है। मज़ा। वो एग्जैक्टली हाँ एग्जैक्टली उसी से बंदे को कॉन्फिडेंस आता है कि आई एम नॉट दैट बैड, आई एम गुड टू, राइट। तो एग्जैक्टली एग्जैक्टली अच्छा, आपके लिए मेरा कमेंट है, चूंकि आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी की हुई है इलेक्ट्रिकल। और इलेक्ट्रिकल भी की हुई है, तो आपने अपनी डोमेन में इनको नहीं छोड़ना, इस चीज को अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की अपॉर्चुनिटीज एक्सपर्टीज को और इलेक्ट्रिकल की एक्सपर्टीज को। नहीं, जफर साहब वो तो छोड़ने का हिसाब होता ही नहीं है, क्योंकि मेरे दोस्त और आपकी आपके फैकल्टी आपको सिर्फ छोटी सी डाटा साइंस आ जाए, आप अमेरिका पहुंच जाए, तो टेस्ला का रिक्रूटर आपको सलाम करने आ जाएगा, क्योंकि टेस्ला को मैकाट्रॉनिक्स के बंदे बहुत चाहिए, नहीं, टेस्ला को और जफर बाकी साहब, गाड़ियों को। हाँ वो तो माशाल्लाह से वो मेरे दोस्तों वगैरह ने पकड़ के अच्छा खासा हैंड्स ऑन करवा दिया। जैसे जो आजिब भाई काम करवा रहे थे ना, ये
इनसे पहले हम लोग बैठ के ऑफलाइन खुद हम लोग, मैं अपने दोस्तों के साथ बैठ के कर चुका हूँ, तो ना मुझे तो बड़ा मजा आता है, सीधी सी बात है। अमेजिंग मतलब अमेजिंग, हाँ बिल्कुल जी, ये हैकाथॉन इज अ बिलियन डॉलर अपॉर्चुनिटी फॉर दोस्त पूरे दिन। उसी तरह का महीने में 3 दिन के लिए सिंगापुर जाएं और वहां पे इंटरनेशनल इंजीनियर से बैठ के काम करें, इट इज एग्जैक्टली दैट थिंग। अब जो एग्जैक्टली लोग फील नहीं करते कि क्योंकि फ्री है तो कई लोगों को इम्पोर्टेंस फील नहीं होती, कई लोग जाते हैं 5 मिनट में बोर होकर छोड़ देते हैं, तो 5 तो कुछ लोग हैं जो कि एफर्ट करते हैं एंड देन दे आर लीडिंग द प्रोजेक्ट्स एंड देन दे हैव इंटरनेशनल कनेक्शंस एंड देन दे स्टार्ट एंजॉयिंग दैट सक्सेस, और उनकी फैमिलीज भी। इसमें देखें ना कोई सिफारिश चाहिए, ना कोई जीपीए चाहिए, ना कोई टेस्ट होना है, राइट? यू जस्ट नीड टू पार्टिसिपेट एंड मेक फुल यूज ऑफ इट। वहां एग्जैक्टली जाएं, शोर एकदम मचाएं, रौला डालें, बेइज्जती करवाएं 2-4 दफा, उसके बाद आप टॉप के प्रोफेशनल बन जाएंगे। नहीं, अल्लाह का शुक्र है बेसी तो नहीं हो। मैंने आपको फीडबैक तो दिया था पहली दफा में, अगले बंदे ने मुझे ऐसा फीडबैक दे होती दिया, नहीं है, हमारे अंदर का डर होता है, मुझे तो बड़ी खुशी हुई थी यार। अंदर का डर होता है, इसे इंग्लिश में हम इम्पोस्टर सिंड्रोम कहते हैं कि वो लोग क्या कहेंगे, मुझे नहीं आता। लेकिन जब आप वो करते हैं तो देन यू रियलाइज कि बाकी लोग भी हमारे जैसे हैं, एग्जैक्टली राइट? तो जो इंडियंस हैं वो भी सिलिकॉन वैली में टेक को लीड कर रहे हैं, पूरी दुनिया में जो लीडर हैं वो इस इंडियंस हैं, और इंडियंस हमारे क्योंकि हम समझ इसे हम पकड़ ले रहे हैं। जफर साहब, आपकी आवाज कट गई। शोर करेंगे लिंक्डइन पे जाके पोस्ट कि आज मैं काम कर रहा था, मुझे फलां चीज आ गई, ये चीज इस बंदे से पढ़ी थी, हैट्स ऑफ टू दिस पर्सन के इसने पढ़ाई थी, वो जफर साहब डिस्कनेक्ट हो गए, तो चलें ठीक है, अगर आप फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग स्लैक पे पूछ लीजिएगा। सर जफर डिस्कनेक्ट हो गया तो यू कैन आस्क स्लैक। तो अगले हफ्ते मिलते हैं सेम टाइम स्लॉट पे इंशाल्लाह, एक और वेबिनार के साथ। अल्लाह हाफिज़ अपना। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।